لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته कैसे हैं सारे अहले कुरान अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्ला। आज फिर अल्लाह की रहमत के बरसते हुए उसकी रहमत के सायों में हम फिर हाजिर हुए हैं दोराए कुरान में अल्लाह सुभान व तआला के प्यारे कलाम को पढ़ने के लिए समझने के लिए और ढेर सारे अमल के मोती लेने के लिए। कुरान अल्लाह का कलाम है और हकीकी मौजजा है। इसका एहसास मुझे हर दफा होता है जब ये किताब मैं अपने हाथ में उठाती हूँ और हर दफा ऐसे लगता है कि कभी मैंने ये किताब पढ़ी ही नहीं है और हर दफा एक न्यू बात समझ आती है, एक नया आईना खुलता है, एक नया इल्म का दरवाजा खुलता है। तो ये वो किताब है जो इंसान को वो कुछ सिखाती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। और जब तक इस किताब को हमने खोला नहीं तो हमें लगता था कि ये सिर्फ इबादात की किताब है, ये सिर्फ वजीफों की किताब है, ये सिर्फ तब खोली जाएगी जब खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाएगी या कोई खत्म कराना होगा। लेकिन जब खोल के पढ़ना शुरू किया तो पता चला इसका मौजू तो इंसान है और ये वो किताब है जो हमें वे ऑफ लाइफ सिखाती है। हम आज बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं और बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं कि आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है, दिस इज द वे यू हैव टू सिट, दिस इज द वे यू हैव टू कैरी योर थिंग्स, आपने डेली चीजें कैसे करनी है। और जब कुरान उठाया तो पता चला अल्लाह सुभान व तआला कितना रहमान रहीम है, उसने तो दूसरों के घर एंटर होने का तरीका भी बताया, उसने तो हमें विरासत के अहकाम भी बताए, उसने तो हमें एक फैमिली सिस्टम की इम्पोर्टेंस भी बताई। तो अगर इंसान को हकीकी रहनुमाई चाहिए, असल में सिराते मुस्तकीम चाहिए, तो किसको थामने की जरूरत है? कुरान पाक को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो इस कुरान का चलता फिरता नमूना थे। अपने दिल को खाली करके, अपने दिल की तख्तियों को खाली करके तैयार हो जाइए आज फिर इस कुरान पाक अल्लाह के कलाम से बहुत से मोती लेने के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم علهمني رشدي وأعذني من شر نفسي يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهم سليمان فاهمني ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين। अब जिस पारे का हम आगाज करने वाले हैं इसका नाम है लन तनालू, तुम हरगिज भलाई को नहीं पा सकोगे। पिछले पारे में हमने नेकी का जामिया तसव्वुर देखा, कैसे एक इंसान नेक होता है, कैसे एक इंसान नेकी को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, और हमने देखा
कि एक मोमिन, एक एक अल्लाह का पसंदीदा इंसान वो होता है जो अल्लाह की राह में क्या देता है, जो उसकी सबसे फेवरेट चीज होती है। इस बारे के आगाज में ही अल्लाह सुबहानो ताला हमें बताते हैं कि कुरान का मतलूब इंसान कैसा होता है, वो क्या कुर्बान करता है। लिटरल अगर देखा जाए तो इससे कोई स्पेसिफिक चीज भी मुराद ली जा सकती है जो आपकी फेवरेट है, लेकिन हर वो चीज जो आपके नफ्स को बहुत पसंद है लेकिन अल्लाह ने उसे मना किया है और अल्लाह के लिए आप छोड़ते हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम वो मानी भी ले सकते हैं। आइए आगाज करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पा सकोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। हम कहते हैं हम तो अल्लाह की राह में बहुत देते हैं, लेकिन क्या देते हैं? अगर हम फटे पुराने जोड़े देके कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैंने तो अपनी अलमारी खाली कर दी है, और वो चीजें जो हमें अच्छी ही नहीं लगती अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो हम नेकी को नहीं पा रहे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जब तक वो चीज जो तुम्हारे नफ्स के अंदर सबसे महबूब है किसी भी फॉर्म में, जब तक वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो नेकी को नहीं पा सकोगे। क्यों? क्योंकि दिल में जगह होती है या हुब्बे जा या हुब्बे माल या हुब्बे औलाद, तीनों में से कोई चीज है। कोई भी एक चीज होती है जो इंसान की वीकनेस होती है, तो वीकनेस को ओवरकम कैसे करते हैं? जब दिल से उसकी जगह निकाल दी जाए, दिल को खालिस्तन किसके लिए फोकस रखा जाए? अल्लाह के लिए। अगर मेरे दिल में किसी और चीज ने जगह बना ली तो मैं नेकी को नहीं पा सकूंगी। और इसका फॉर्मूला अल्लाह ने कितना प्यारा बताया कि जो चीज महबूब है उसे मेरी राह में दे दो, उसे कुर्बान कर दो, उससे क्या होगा? इंशाल्लाह तकवा नसीब होगा। तुम हरगिज भलाई को नहीं पा सकोगे जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो, और तुम जो खर्च करते हो अल्लाह इसे जानता है। डरना भी चाहिए कि जो हम खर्च कर रहे हैं हमें लग रहा है हम बड़ा काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें तो दिल से पसंद ही नहीं है, हम दूसरों के सामने तो बड़े अच्छे बन रहे हैं लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे दिलों में क्या है। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे सिवाय इन खानों के जो याकूब ने तो रात नाजिल किए जाने से पहले अपने ऊपर हराम कर लिए। दो चीजें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम की थी, और वो इसलिए हराम की थी उनकी तबीयत की वजह से, और एक उसमें मुफस्सरीन का एक मौकफ आता है कि शायद उनको इतनी पसंद थी, जब उनके वो चाहते थे कि पसंदीदा चीजें अल्लाह के लिए छोड़ दूं, वो दो चीजें थी ऊंट का गोश्त और दूध। तो उनके देखते हुए बनी इसराइल ने क्या किया कि उस चीज को हराम ही कर दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे सिवाय इन खानों के जो याकूब ने तो रात नाजिल किए जाने से पहले अपने ऊपर हराम की थी। इसी तरह हमने देखा था, अगर आपको याद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक्या कुरान में आता है जिसमें शहद को कहा था कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, तभी एक आयत नाजिल हुई थी कि कहा गया था तुम क्यों इस चीज को हराम कर रहे हो जो अल्लाह ने तुम पे हलाल की है। ठीक है, तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है, जो चीज अल्लाह ने हलाल की है वो हलाल ही है और जो हराम की है वो हराम ही है। तुम फरमा दो तौरात लाओ और इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। यहूदी वो मुसलमानों पे क्वेश्चन उठाते थे कि जो चीजें हमारी बुक में हराम है ये हलाल करके कैसे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है इनकी किताब में और हमारी किताब में फर्क है। क्योंकि बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे, ये जो किताब आई है ये पुरानी किताब की क्या करती है? तस्दीक। तो ये एक क्वेश्चन उठाते थे जिसके जवाब में अल्लाह सुबहानो ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई। फिर इसके बाद भी जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही लोग जालिम हैं। कुल सदकल्लाहु, ए महबूब तुम फरमा दो अल्लाह ने सच फरमाया, लिहाजा तुम इब्राहिम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और वो मुशरिकों में से ना थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी हमने देखा कि यहूदी कहते थे कि ये हमारी तरफ से हैं, नसरानी कहते थे ये हमारी तरफ से हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तो रात और इंजील तो बाद में आई थी, वो तो उससे पहले आए थे, तुम लोग क्या बातें करते हो। इब्राहिम क्या थे? हनीफ थे, फोकस मुस्लिम थे। तो हमने भी इंशाल्लाह वैसा ही बनना है। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सहारे और सारे जहान वालों के लिए हिदायत। सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो खाना काबा। ये कहते थे कि जो सबसे पहला घर बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वो बैतुल मकदस है। बैतुल मकदस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया था, और ये इससे पहले भी
अल्लाह का घर बन चुका था जो कि खाना काबा की सूरत में था, और सबसे पहले खाना काबा जो था वो फरिश्तों ने तामीर किया था। और ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो क्या है, बैतुल्लाह खाना काबा। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह मकाम इब्राहिम की बात की गई है। वो पत्थर जो जन्नत से आया था जिस पे खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी वो क्या है, हमारे लिए एक निशानी है। और हम उसको सजदा नहीं करते या उसकी इबादत नहीं करते, बल्कि हम ये सीखते हैं कि इब्राहिम अल्लाह ताला के कितने फरमा बरदार थे, नहीं कि अल्लाह की निशानी है। वहां पे मकाम इब्राहिम पे दो नफल अदा किए जाते हैं और जो इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया, जो मक्का में जाता है उसको अमन नसीब होता है। अभी मुझे तो तौफीक नहीं हुई, लेकिन जितने लोग वहां पे जाते हैं कहते हैं वहां पे बहुत पुर अमन फिजा है, दिल को तसल्ली मिलती है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है, हज की फर्जियत पे ये आयत है। और इसका जो अगला पार्ट है वो बड़ा सख्त दिल को दहलाने वाला है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता हो, यानी जिसके पास पैसे भी हैं, मींस भी हैं, सेहत भी है, उस पे फर्ज है। और जो इनकार करे तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास असबाब भी हो और फिर भी हज ना करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी मरे या नसरानी। यानी फर्ज हो गया हज, मेरे पास मींस भी हैं, मैं पूरी दुनिया घूम भी रही हूँ, मैं हर जगह स्पेंड भी कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हज नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हज पे जाने के बाद तो मुझे मुकम्मल पर्दा करना है, मुझे और मुसलमान हो जाना है, लेकिन अगर मैं इतनी जल्दी एज में हज कर लूंगी तो मैं कैसे अपने सारी चीजें फॉलो करूंगी? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे में हिम्मत भी है, हर तरह का मीन है कि तुम जो है हज कर सकते हो और हज तुम पे फर्ज भी हो चुका है, फिर अगर हज नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो, तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चला कि जो हज करने की जिसके पास असबाब भी हो और फिर भी हज ना करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि यहूदी हो या नसरानी। तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो? अब अहले किताब कितने दर्जों में अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे वो आपको पता चलेगा, कितने दर्जों में वो बटे हुए थे। पहला, तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो हालांकि अल्लाह तुम्हारे अमाल पर गवाह है। तुम क्यों नहीं मानते कि अल्लाह ताला की आयतें जो तुम पे आई हैं हालांकि अल्लाह ताला गवाह है? और ये नहीं हुआ था कि कुरान आया था उन्होंने कुरान नहीं माना था, जब उनके पास तौरात आई थी तब भी नहीं मान रहे थे बार बार, और इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने कोहे तुर को उठा लिया था कि मैं तुम लोग के सर पे मार दूंगा, पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। और आज यही हाल हो गया उम्मत मुस्लिमा का, हमारे पास कुरान है, हमारे पास अब हर तरह के मीन्स है कि हम कुरान सीख सके। पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा जवाब था कि हम औरतें हैं, हम घर में, हमारे पास कन्विंस नहीं है, हम जा नहीं सकते। अब तो ऑनलाइन इतनी फैसिलिटीज मौजूद हैं, अब तो घर किसी के जाने की जरूरत नहीं, किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, किसी गैर महरम को घर में बुलाने की जरूरत नहीं। हम क्या अल्लाह को कहेंगे कि हमने क्यों नहीं सीखा, हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास वक्त नहीं था, वो वक्त और वो मोहलत जो अल्लाह ने मुझे दी, वो जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे दी, उसमें भी टाइम नहीं था। और अगर देखा जाए और तकाबुल किया जाए तो जो जो क्वालिटीज बनी इसराइल की आ रही हैं जिसपे अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा, सेम वो हमें बताई जा रही हैं। तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो हालांकि अल्लाह तुम्हारे अमाल पर गवाह है। तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? दूसरा पॉइंट, ईमान जो ले आए हैं उन्हें अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? और ये बात भी अगर देखी जाए तो आज के मुसलमान में पाई जाती है, अगर कोई अल्लाह का बंदा जिसे अल्लाह ने हिदायत दे दी वो कोशिश कर रहा है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स तो बहुत सी हैं। फॉर इंस्टेंस, एक बच्ची है जिसको पहले मालूम नहीं था कि पर्दा मैंने क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली कराया जाता है, कोई भी एक काम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पहली बात है बच्चों को समझाएं, उन्हें तालीम दे कि हमने क्यों करना है, इसकी बेसिस क्या है, ठीक है? जिसको नहीं पता था उसके दिल में अल्लाह ने डाल दिया, उसने कहीं से सुना, खटखटाहट भी होगी, हिदायत भी आ गई, उसने कहा चलो मैं ना कोशिश करती हूँ, बड़ा दिल पे नफ्स पे जबर करके उसने स्काफ कर लिया। तो सबसे पहले जब महफिल में जाएगी हम ही कहेंगे हाय तुम्हें क्या हो गया,
और ये वो अल्फाज हैं जो अगर आपका ईमान मजबूत नहीं है आप फौरन पलट जाएंगे कि हाय मैं अजीब लग रहा हूं। आपकी इतनी सी बात जो मुंह से निकली भी है ना वो किसी को फौरन बैक पे ले जाती है। बड़े सोच के बोला करें कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये जो हम कह रहे हैं हाय तुम्हें क्या हो गई, तुम पेंडू हो गई हो, अगर देखा जाए अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह हमारी पकड़ ना करे कि ये हम अल्लाह के अहकाम के बारे में बात कर रहे हैं और हम इतने कहते हैं जाहिल हो चुके हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है, हम इस तरफ जाते ही नहीं है। तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, तुम इसमें भी टेढ़ा पहुंचाते हो हालांकि तुम खुद इस पर गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ए ईमान वालों, अब आप सबको अल्लाह बुला रहा है, ए ईमान वालों अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह की इताअत करो तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफर की हालत में लौटा देंगे। पीछे हमने पढ़ा काफिरों से दोस्ती, दिली दोस्ती करने को मना किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सलाम दुआ नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे नहीं, उनका हाल चाल नहीं पूछेंगे। जरूर पूछें, क्योंकि अगर हम उनसे पूछेंगे नहीं, अच्छा हमारा किरदार नहीं होगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। लेकिन दिली दोस्ती का मतलब यह है कि दिल से समझना कि वो जितने काम कर रहे हैं वो सही हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लें कि अगर मेरा अकीदा ही सही नहीं है, अगर मैं एक खुदा पे ईमान ही नहीं लाती, चाहे मैं जितनी मर्जी चैरिटीज कर दूं, चाहे मैं बहुत पोलाइट भी हूं, चाहे मेरी जिंदगी बिल्कुल सही हो, मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगी। अगर किसी घर की बुनियाद मजबूत ना हो वो घर कायम होगा? सेम, आपका अकीदा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम उनकी पैरवी करेंगे भी तो वो हमें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, कुफर में लेके जाएंगे। आज हम वेस्ट की पैरवी कर रहे हैं, हम देखते हैं फलानी एक्ट्रेस ने ये काम किया, फलाने एक्टर ने ये काम किया, ओ कितनी प्यारी लग रही थी, मैं भी उसे फॉलो करूंगी। जरा ये तो देखिए कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं क्या वो फॉलो करने के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इससे पहले हमने सीरत उम्मातुल मोमिनीन का सेशन किया था और हमने देखा था कि हमारे रोल मॉडल कैसे होने चाहिए और वो एक आई ओपनर था हम सब के लिए। हम सब के लिए एक आई ओपनर था कि हमारी माएं इतनी पावरफुल थी, वर्किंग लेडीज थी, अमीर थी, डिफरेंट चीजें भी कर रही थी, लेकिन कितने परहेजगारी के तरीके में, अपनी एक बाउंड्री संभाल के। तो हमारे रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए? मुसलमान, हमारी माएं। किसी ऐसे शख्स को रोल मॉडल नहीं बनाना, उसकी पैरवी नहीं करनी जो आपको कुफर के तरीके पे ले जाए। और ईमान वालों अब तुम क्यों कुफर करोगे हालांकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में इसका रसूल तशरीफ फरमा गया है। यहूदी क्या दुआ करते थे कि जब हमारे दरमियान एक रसूल जो आखिरी रसूल आने वाला है आ जाएगा, फिर तो हम उसकी पैरवी करेंगे, हम उसकी किताब को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, कुरान पाक आ गए, उन्होंने सपोर्ट किया, तो और क्या कहा जा रहा है कि अब तुम क्यों इनकार कर रहे हो जब तुम्हारे पास आयतें आ गई हैं। और जिसने अल्लाह का सहारा मजबूती से थाम लिया तो इसे यकीनन सीधा रास्ता दिखाया गया। अल्लाह का सहारा क्या है? कुरान मजीद। ये वो मुजजा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया गया। और जिसने इस कुरान को मजबूती से थाम लिया, इसके अहकाम को थाम लिया, समझा और इस पे अमल किया, तो उसको क्या मिलेगा? उसको सीधा रास्ता मिल जाएगा। हम बहुत से अच्छे काम कर रहे होते हैं। आज सुबह ही मुझे किसी ने कहा कि मैं अब कुरान मजीद सुन रही हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो बहुत सी मेरी जिंदगी में तो ऑलरेडी मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वो फॉलो करते करते जब हमारे दिल में भी होगा कि ये मेरे अल्लाह का अहकाम है और मैं इसको ये फॉलो कर रही हूँ और नीयत हमारी हो जाएगी, आप सोचें इस बात पर कितना सवाब मिलेगा। इतना फर्क पड़ जाता है नीयत के चेंज होने से कि ये तो मेरे अल्लाह ने कहा है मेरी किताब में, मैं तो ये पहले भी फॉलो करती थी लेकिन अब इसलिए फॉलो करूंगी क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्ला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक है, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए। अल्लाह से कैसे डरो? अल्लाह से डरने का हक क्या है कि इंसान हर काम करने से पहले सोचे कि अल्लाह ताला इस काम के बाद मुझसे खुश होगा या नाराज होगा, और अगर इस काम पे मेरी मौत आ जाए तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा,
या मैं जन्नत में जाऊंगा और सफेद मुंह रोशन फरिश्ते देखूंगा, या अगर जो काम मैं अब कर रहा हूँ इस पे मेरी पकड़ हो जाएगी तो मुझे वो फरिश्ते लेकर आएंगे कि जिनको देख के मेरी चीखें ही निकल जाएंगी। क्या हम इस लेवल पे अल्लाह से डरते हैं? नहीं। जब तक हम इस महफिल में बैठे हैं दिल में बड़ा तकवा रहता है, ईमान का हाईएस्ट लेवल, और जैसे ही इस महफिल से उठ के जाते हैं दुनिया में खो जाते हैं तो वो तकवा भाग जाता है हमेशा। जिसने मैंने देखा है, अगर आप एक चीज याद कर लें, कहते हैं ना एक नसीहत नहीं कर सकते ज्यादा अमल, एक नसीहत याद कर लें, अल्लाह का तकवा याद कर लें, आपकी जिंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी में से हर वो बातें निकल जाएगा जो अल्लाह को नापसंद है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक है, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए। किस हालत में आनी चाहिए? अच्छा, ये बात किससे हो रही है? या अय्युहन नास तो नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, मुसलमानों से, कि अल्लाह से डरो जैसा उसका डरने का हक है। और कुरान मजीद में एक ऐसा मुकाम आता है जिसको पढ़ के इंसान रो पड़ता है, जिसमें अल्लाह सुबहानो ताला कहते हैं तुमने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करने का हक। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अगर आम इंसान भी जब मेहनत करता है, किसी के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है, और जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता, बच्चों को अगर समझ रहे, बच्चे कदर नहीं कर रहे या बात नहीं मान रहे, तो माँ क्या कहती है, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने गुजार दी, तुमने मेरी कदर नहीं की। और ये आयत जो है जब आगे आएगी तो ये रोने का दिल करता है कि वाकई अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, तमाम सहूलतें दी, लेकिन हमने उसकी वैसी कदर नहीं की। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे से डरने का हक है, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने कुरान पाक याद किया हुआ है, जब बार बार कुरान में इतनी दफा जिक्र हुआ है कि तफरके में मत पड़ो, तफरके में मत पड़ो, तो हम छोटी छोटी बेसिस के ऊपर क्यों एक दूसरे को काफिर बना देते हैं? यहाँ पे देखें अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान पाक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने रिवायत है, क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब को थामे रखना यही वो मजबूत रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। कितनी प्यारी रस्सी है जो भी हमारे पास है, और अगर हम चाहते हैं कि सराते मुस्तकीम पे चले जाएं तो हमने इसे क्या करना है, इसको मजबूती से थाम लेना है। और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में मिलाप कर दिया, बस इसके फजल से तुम आपस में भाई भाई बन गए, और तुमने आके घड़े के किनारे पर थे और इसने तुम्हें इससे बचा लिया। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं खैर से मुराद है कुरान और सुन्नत। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे तो क्या था कि ओस और खिजरज दो कबीले मदीना में ऐसे थे जो हर वक्त लड़ते रहते थे, और इनकी लड़ाइयां जनरेशंस टू जनरेशंस आ रही थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो खुद एक मोहब्बत का पैगाम थे, जो एक चलती फिरती रहमत थे, तो क्या हुआ, इनकी लड़ाइयां खत्म हो गई। यह आयत उसकी तरफ इशारा करती है। तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कुरान के मतलूब लोग, अल्लाह के मतलूब लोग कौन हैं? नंबर वन, जो भलाई की तरफ बुलाएं। किसकी तरफ बुलाएं? भलाई की तरफ बुलाएं। नंबर टू, अच्छी बात करने का हुक्म दें। नंबर थ्री, बुरी बात से मना करें। यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यहाँ पे देखें वल तकुन मिनकुम, यहाँ मिनकुम बड़ा मानी खेज है कि तुम में से एक जमात वजूद में आनी चाहिए। गोया मुसलमान देखें एक बड़ी जमात है, एक पूरी हम सब उम्मत मुस्लिमा है, वो तो करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल है। इनमें से अक्सर लोग अगर देखा जाए तो ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं उनमें से एक जमात ऐसी निकले जो इनको जगाए,
जो इनको झिंझोड़े, जो इनको कहे जाग जाओ, और क्या कहे लोगों को दावते इलल खैर दे, भलाई की तरफ बुलाए, अमल बिल मारूफ नेकी करने क्या कहे, और नहीं अनिल मुनकिर और बुराई से रोके। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको इस जमात में शामिल करे और इन लोगों की तरह ना होना जो आपस में मुतफरक हो गए और उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां आ जाने के बाद भी आपस में इख्तलाफ किया, और उनके लिए बड़ा अजाब है जिस दिन कई चेहरे रोशन होंगे और कई चेहरे सयाह होंगे। वो लोग जिनके चेहरों पर सयाह होंगे इनसे कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे, तो अब अपने कुफर के बदले में अजाब का मजा चखो। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। जब मौत आ जाएगी तो एक लोग ऐसे ग्रोह ऐसा होगा जिसको सफेद रोशन चेहरे वाले फरिश्ते लेने आएंगे, और एक ग्रोह ऐसा होगा जिसको काले खौफनाक फरिश्ते लेने आएंगे, और वो क्या कहेंगे कि तुम ईमान लाने के बाद कुफर पे चले गए थे। तो अब मजा चखो उस अजाब का। अल्लाह हमें सबको उससे महफूज रखे। और वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह हम सबको इन लोगों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम हक के साथ तुम्हारे सामने पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। अल्लाह जहान वालों पर भी जुल्म नहीं चाहता, अल्लाह इंसान पर भी जुल्म नहीं चाहता, लेकिन इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म कर बैठता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए मुसलमान बे तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह अकबर, झिझोड़ने वाली ये बात है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए मुसलमानों तुम उम्मत बेहतरीन हो। उससे पहले मुसलमानों के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था, उम्मत वस्तन, तुम वस्ती उम्र हो, तुम वो उम्र हो जिसको फजीलत दी गई है। आज क्या कहा जा रहा है, ए मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो। जरा एक सेकंड के लिए खुद से सवाल करें, क्या हम बेहतरीन उम्मत हैं? खुद से पूछिए, क्या मैं तमाम वो फराइज अदा कर रही हूँ जो बेहतरीन उम्मत के होने चाहिए? ठीक है, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे भी ना देखें, क्या मैं अपने घर में बैठी हुई अपने सिर्फ घर की विसिनिटी में ही अल्लाह के हुक्म को राइज कर पा रही हूँ? चलें उसको भी छोड़ दें, उससे भी छोटे सर्कल में आ जाएं, क्या मैं खुद अपनी जात में वो चीजें अप्लाई कर रही हूँ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है? और अगर नहीं हूं तो अल्लाह ने तो मुझे बेहतरीन उम्मत बनाया था, मैं क्या बनी इसराइल जैसी यहूदियों जैसी हो चुकी हूँ? सवाल करेंगे तो जवाब मिलेंगे। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया, अब हमने बेहतरीन कैसे बनना है? जो काम हम खुद नहीं करते ना, उसका हम दूसरों को कह नहीं सकते। इब्तिदा कहाँ से करनी है? हम कहते हैं पहले दूसरों को कहेंगे फिर करेंगे, नहीं। इब्तिदा अपने आप से, अपने अंदर से, अपने नफ्स से। फिर जब अपने नफ्स का तज़किया हो जाए 100% बंदा, कोई इंसान, कोई अल्लाह का प्यारा हो जो बहुत ज्यादा चल सके दीन पे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, वो बहुत कम है। लेकिन अगर लगा के नहीं थोड़ा, तो थोड़ी थोड़ी चीजें अपने घर वालों को देना शुरू कहें तो सही। कल को हम ये तो कह सकेंगे कि हमने कहा तो था, हमने कोशिश तो की थी, बगैर कह रहे हम कैसे कहें कि हमारा बच्चा काम कर ले? हम स्कूल की पढ़ाइयों के लिए, हम दुनिया के ग्रेड्स के लिए अपने बच्चों को डांटते हैं। आज सुबह मेरे पे बड़ी भारी थी क्योंकि मैं बच्चों को कंटिन्यूसली उठा रही थी नमाज के लिए, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कोई नहीं उठ रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या, और लिटरली ऐसे नहीं कहता कि जोर जोर से रहूं कि ये फील क्यों नहीं कर रहे कि इनके बिस्तरों के नीचे आग लगी हुई है, मैं इनको कैसे बचाऊं? उसके बाद तो एक ही हथियार है, जैसे दुआ। लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि हमने कोशिश तो की थी। और जैसे स्कूल का वक्त आता है तो हमारे बच्चे भी जाग जाते हैं, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज उनके अंदर इम्बेड क्यों नहीं है? अल्लाह से बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बचा ले। जो लोगों की, ए मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। हम क्यों जाहिर किए गए? ताकि हम लोगों को रास्ता दिखाएं,
ताकि हम लोगों को बताएं कि हक आ चुका है, बातिल चला गया है। हम वो उम्मत हैं जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। क्या आज का मुसलमान भलाई का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है, या कलेक्टिवली मिलके बुराई करता है? आओ सारे चलते हैं, सारे मिलके फहाश काम करते हैं, सारे मिलके ऐसी महफिल जमाते हैं जिसमें फहाशी ही फहाशी हो, ऐसी महफिल सजाते हैं जिसमें महरम और गैर महरम का कोई ना हो। यार बूढ़े लोगों को नहीं लेकर आना, माँ बाप को नहीं लेकर आना, उनका दिमाग खराब है, वो हमें रोकेंगे, लेकिन हम इंजॉय करेंगे। तो फिर हम अपने आप को कैसे कहेंगे कि हम उस उम्मत में से हैं जो खैर और भलाई का हुक्म देते हैं? ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। हमें क्यों जाहिर किया गया? लोगों की हिदायत के लिए। तुम भलाई का हुक्म देते हो। कुरान का मतलूब इंसान कौन होगा? जो भलाई का हुक्म देगा और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। हमारा ईमान किस पे है? सिर्फ अल्लाह पर। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो इनके लिए बेहतर था। इसमें से कुछ मुसलमान हैं और इनमें से अक्सरियत नाफरमान है। जैसे पीछे बताया गया था पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह कुछ अहले किताब ऐसे होते हैं जिनके दिल पलट आते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं। ये तुम्हें सताने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर जाएंगे, फिर इनकी मदद नहीं की जाएगी। ये जहां भी पाए जाएं इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि इन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। यहाँ पे बात हो रही है यहूदियों की। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत फजीलतें दी, लेकिन जब अल्लाह की बात नहीं मानी, जब उनसे उम्मत होने का टाइटल छिन गया और मुसलमानों को दे दिया गया, तो कंटिन्यूसली उन पे क्या हुआ? जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। यहाँ पे अगर देखा था, जो बनी इसराइल को हर दौर में जिल्लत मिली, चाहे वो बुख्त नसर का दौर हो, चाहे वो टीटस का जो दौर हो, चाहे वो आज का दौर हो, यहूदी क्या है? वो जलीलो ख्वार ही हो रहे हैं। ये जहां भी पाए जाए इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, सवाए इसके कि इन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। ये अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और इन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। अल्लाह ताला ने कह दिया कि यहूदी अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हैं। और आज अगर देखा जाए, हम मुसलमान हुक्मरान कैसे हो गए हैं कि उन्हीं की मदद चाह रहे हैं। आपको पता है कितना फाइनेंशियल एड आ रहा है इसराइल से? सारे हमारी चीजें उन पे डिपेंड कर दी गई है, इकोनॉमी हमारी सारी उन पे डिपेंड हो गई है। क्यों? ये वो जाल है मनी का जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैला दिया। अभी पीएसएल होने वाला है, केएफसी के बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं। क्या जेब देता था पीएसएल वालों को कि वो उसको सपोर्ट, उसकी एडवर्टाइजमेंट ले, उससे पैसे ले? और वो कौन? हमें दुनियावी तौर पे तो अपना फायदा नजर आ रहा है। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? वो तो मेरे गजब के मुस्तहिक हैं। सिवाय कब? अल्लाह ताला ने उनको भी मोहलत दे दी शैतान की तरह कयामत। लेकिन असल में तो वो अल्लाह उनसे बहुत ज्यादा गजबनाक है। हमें हर उस चीज का बायकॉट करना चाहिए जिसका ताल्लुक इसराइल से है, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। कोई प्लेटफॉर्म आपको मिले, आपको पता चल जाए कि ये है, तो आपने क्यों करना है? क्योंकि वो यहूदी हैं, वो अल्लाह के गजब के हकदार हैं। दूसरा, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। फलस्तीन के बच्चों का जो हाल है, अगर देखा जाए तो दिल खून के आंसू रोता है। कोई ऐसी चीज हमने सपोर्ट नहीं करनी। और अगर पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑर्गेनाइजेशन भी उनको सपोर्ट कर रही है, तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या करना है? बायकॉट कर देना है। ये अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हैं और इन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये इस वजह से है कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक शहीद करते थे, और इसलिए कि वो नाफरमान और सरकश थे। आगे अहले किताब में से हक पर कायम लोगों के औसाफ बताए जा रहे हैं। ये सब एक जैसे नहीं। अब फिर वही बात आ गई, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अहले किताब में से कुछ, अहले किताब कौन से हैं जी? जो किताब आसमानी किताबों पे ईमान लाते हैं उन्हें अहले किताब कहा जाता है। ये सब एक जैसे नहीं। अहले किताब में से कुछ वो लोग भी हैं जो हक पर कायम हैं। वो रात के लम्हात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं। और ये लोग अल्लाह के खास बंदों में से हैं।
हम देखते हैं कि कुछ अहले किताब ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे जिनको पलटने की दावत मिल जाती है, जो वापस अल्लाह की तरफ अपना रास्ता बना लेते हैं, जो वादा अल्लाह जो उन्होंने अल्लाह से किया था उसको पहुंच जाते हैं। उनके अंदर ये सिफात मौजूद होती है, उनके अंदर खैर मौजूद होती है, अल्लाह उन्हें पलटा देता है। आगे मुसलमान के नेक अमाल की ना कदरी ना की जाए बताया जा रहा है, और ये लोग जो नेक काम करते हैं हरगिज इस नेकी पर इनकी ना कदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह डरने वालों को जानता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसको जानता है और उसकी किसी भी क्वालिटी की ना कदरी नहीं करता। वो लोग जो काफिर हुए इनके माल और इनकी औलाद इनको अल्लाह के अजाब से कुछ नहीं बचा सकेंगे, और यही लोग जहन्नुमी हैं, ये हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। क्या हमारी औलाद और हमारे माल हमें बचा सकेंगे? और ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आड़े आती हैं हक के रास्ते में चलने पर। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो लोग जो काफिर हुए इनके माल और इनकी औलाद इनको अल्लाह के हिसाब से नहीं बचा सकेंगे। और आज हम उन्हीं से फैसिनेट होते हैं कि देखो उसके पास कितना पैसा है, उसे कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, देखो वो कितना अब जा रहा है, लेकिन उसका माल और उसकी औलाद चाहे वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्टैब्लिश है, वो उसे बिल्कुल नहीं बचा सकेंगे। इस दुनियावी जिंदगी में जो खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस हवा जैसी है जिसमें शदीद ठंड हो, वो जिसमें शदीद ठंड हो वो हवा किसी ऐसी कौम की खेती को जा पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हो, तो वो हवा इस खेती को हलाक कर दे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोग जो रयाकारी करते हैं, जो खर्च नहीं करते, इनके पीछे भी एक मिसाल दी गई थी। कैसे? एक पत्थर की, एक चिकने चिकने पत्थर की जिसपे मट्टी हो और उसपे वो खेत उगाने की कोशिश करे। अगर आपको याद हो पिछले पारे में हमने ये पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब फिर आपको बुला रहा है अल्लाह ताला, ए ईमान वालों गैरों को राजदार ना बनाओ। आप उनके साथ अच्छा सलूक करें लेकिन उनको क्या अपने राज की बातें बताएं? नहीं, ए ईमान वालों गैरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, बेशक इनका बोझ तो इनके मुंह से जाहिर हो चुका है और जो इनके दिलों में छुपा हुआ है वो इससे भी बढ़कर है, बेशक हमने तुम्हारे लिए खोल कर आयतें बयान की हैं अगर तुम अकल रखते हो। काफिरों को राजदार बनाने की मुमानियत की गई है, और ये बताया गया है कि उनकी तो ये ख्वाहिश है कि तुम लोग जो है जवाल पजीर हो जाओ। मुसलमानों को अपने ईमान में पुख्ता होने का हुक्म है अगली आयत में, और मुनाफिकों का दोगलापन दिखाया गया है। खबरदार, ये तुम ही हो जो इन्हें चाहते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं सो कॉल्ड वेस्ट के पॉपुलर लोगों को, क्या वो आपको चाहते हैं? खबरदार, ये तुम ही हो जो इन्हें चाहते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। हम तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं, वो कुरान पर ईमान रखते हैं, तो फिर कैसे वो आपको पसंद करते हैं? खबरदार, ये तुम ही हो जो इन्हें चाहते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो, और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके, और जब तन्हाई में होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर उंगलियां चबाते हैं। ए हबीब, तुम फरमाओ अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वो इस पे खुश होते, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो इनका मकरो फरेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बेशक अल्लाह इनके तमाम कामों को घेरे हुए है। मुसलमानों को सब्र और परहेजगारी की तलकीन की जा रही है। आगे जो है जिक्र किया जा रहा है गजवाए ओहद का। गजवाए ओहद स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम फौरन से गजवाए ओहद क्या थी, उसका पस मंजर क्या था और उसमें क्या हुआ था उसको पढ़ लें, ताकि आगे फिर हम रवानी से गुजरते जाएंगे। बहुत पूरा पारा में ही ऑलमोस्ट गजवाए ओहद का बहुत जिक्र है, तो हम बीच में स्टे नहीं करेंगे, तो जरा इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहली गजवा कौन सी हुई थी? गजवाए बदर, जिसमें मुसलमानों को बेहतरीन फतह नसीब हुई थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफार की तादाद को क्या थी? 1,000, लेकिन मुसलमानों को इतनी जबरदस्त फतह मिली थी कि उन काफिरों पे उनकी धाक बैठ गई थी, वो डर गए थे कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि जाने से पहले तक वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। तो जब अल्लाह की मदद साथ हो, ईमान असल हो आपके अंदर, और क्या हो, अमले सोले पे भी हो आप,
तब अल्लाह की मदद जरूर मिलती है। गज़वाए बदर में मुसलमानों को हासिल होने वाली शानदार फतह ने कुरैश मक्का और यहूदियों को सीख पा कर दिया, यानी शदीद गुस्से में आ गए। मुसलमानों ने शाम की तरफ जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी। इस शिकस्त के बाद मुशरिकीने मक्का और यहूद नहायत गुस्से में थे और अपनी शिकस्त का बदला भी लेना चाहते थे ताकि उनका खोया हुआ वकार बहाल हो जाए और महफूज तजारती रास्ते दस्तयाब हों। सरदाराने कुरैश में से उकरमा बिन अबी जहल, सफवान बिन उमैया, अबू सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्ला बिन रबैया ज्यादा पुरजोश थे और जंग के लिए जहन साजी कर रहे थे। इस सिलसिले में जंगी अखराजात के लिए अबू सुफियान के काफले का सारा माल, कौन सा माल, जो जंगे बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली उस काफले के लिए जा रहे थे लेकिन वो आराम से पहुंच गया था मक्का बच के, तो वो जो काफला बचा था उसमें जितना माल था उन्होंने इस जंग में खर्च कर दिया था। इस सिलसिले में जंगी अखराजात के लिए अबू सुफियान के काफले का सारा माल जंगी अखराजात और साजो सामान की खरीदारी के लिए रोक लिया गया। मदीना मुनव्वरा के हालात से मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए अबू सुफियान गजवाए ओहद से कुछ अरसा पहले मदीना मुनव्वरा के करीब एक यहूदी कबीले के सरदार के पास भी कुछ दिन ठहरा। चूंकि अबू जहल गजवाए बदर में मारा गया था, अबू सुफियान उसमें नहीं था क्योंकि वो काफला लेके मक्का पहुंच गए थे। क्योंकि अबू जहल गजवाए बदर में मारा गया था इसलिए कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास आ गई थी, लिहाजा मक्का के दारुल नदवा में एक इजलास में फैसला हुआ कि जंग की भरपूर तैयारी की जाएगी। सन 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने 3,000 का लश्कर जिसमें से 700 जरा पोश थे तैयार किया। लश्कर में 200 घोड़े 300 ऊंट भी शामिल थे, कुछ औरतें भी साथ थीं जो अशार पढ़ पढ़ के मुशरिकीन को जोश दिलाती थीं। अबू सुफियान को पूरे लश्कर का सपा सलार मुकरर किया गया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास जो मक्का ही में रह गए थे उन्होंने मुशरिकीन की इस साजिश और इस जंगी अजायम की पेशंगी इतला मदीना भिजवा दी थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्बास ने बता दिया था कि जंग के लिए वो आने वाले हैं। और देखें कितनी भरपूर लड़ाई की है, पहले 1,000 थे, अब कितने लोग तैयार हो गए, 3,000, 1 × 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे हम जानते हैं, जितने लोगों ने हमारे साथ सीरत का सफर तय किया है, आप तमाम फैसले कैसे करते थे, मशवरा करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और महाजरीन से शहर में रहकर दिफा करने या बाहर जाकर जंग लड़ने के हवाले से मशवरा तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर ना निकला जाए बल्कि शहर के अंदर ही किला बंद हुआ जाए। अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था उसने भी इस बात पर इत्तफाक किया लेकिन सहाबा कराम के इसरार पर फैसला हुआ कि बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। नमाज जुमा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,000 की फौज के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। ओहद पहुंचने से पहले ही अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफकत का अमली मुजाहरा करते हुए 300 लोगों को जंग से बाहर जाने का बहाना करके अलहदा हो गया। और क्यों अलहदा हो गया कि मैंने उसको कहा था कि आपने अंदर जंग लड़नी है लेकिन आपने अंदर नहीं लड़ी तो अब हम बाहर नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ हाँ गो फॉर इट, और जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकल जाता है इनमें कहते हैं नहीं मेरी बात नहीं मानी थी, मैं तो इस ग्रुप में शामिल नहीं हूंगा। दोनों फौजें ओहद के मैदान में आमने सामने सफ आरा हुई। मुसलमानों की पुश्त पर ओहद का पहाड़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। महाजरीन का परचम हजरत मौसब बिन उमेर को, ओस का परचम हजरत उसैद बिन हजीर को और खिजरज का परचम हजरत हबाब बिन मंजर को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुर्रे पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की कयादत में 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर किया कि दुश्मन इस रास्ते से मैदान जंग में पलट कर हमला आवर ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी भी सूरत में दर्रा ना छोड़ने की तलकीन फरमाई। मुसलमानों ने नहायत बहादुरी से काफिरों का मुकाबला किया। हजरत अबू बकर, उमर, अली, हमजा, साद, तलहा, जुबैर, अवाम बिन मौसिब, अब्दुल्ला बिन जहश, साद बिन माज और बहुत से और सहाबा ने बहुत ज्यादा शुजात का मुजाहरा किया। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब ने इस गजवा में बहादुरी और सरफरोशी के वो जोहर दिखाए। वैशी बिन हर्ब ने आपको नेजा मार के शहीद कर दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सईदुल शोहदा यानी शहीदों का सरदार का लकब अता फरमाया। कुफारे मक्का जंग से फरार होने लगे तो ये देखकर दुर्रे पर मौजूद मुजाहिदीन नीचे उतर आए। जंग जीत गए थे, बेहतरीन जंग जीत गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का जो एक ग्रुप हजरत जुबैर की कयादत में कहा था कि इस दुर्रे, समझे एक चोटी या एक मकाम पे कहा था कि इधर से नहीं हिलना, जब उन्होंने देखा कि ये तो जीत गए हैं तो उन्होंने क्या की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ही पैरवी नहीं कि यहां से हटना, तो वो हट गए। कुफारे मक्का जंग से फरार होने लगे ये देखकर दुरे पर मौजूद मुजाहिदीन नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद जो इससे पहले 3 बार इस दुर्रे से हमला अवर होने की कोशिश कर चुके थे मगर नाकाम रहे, तेजी से चक्कर काट कर इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुंचे। कुफार ने दुर्रा खाली पार कर इस रास्ते से पलट कर मुसलमानों पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों के लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह उड़ा दी गई। किसी भी कौम या किसी भी जमात का जो लीडर होता है वो बहुत अहम होता है और नबी की तो एक अपनी बात है। जब उनकी अफवाह, ये अफवाह उड़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह शहीद कर दिया गया, तो क्या हुआ, वो लोग हौसला हार गए। लेकिन इस नाजुक तरीन वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फिर से इकट्ठा किया और लीडरशिप क्वालिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिखाई कि उनको फिर से इकट्ठा किया और अब मुशरिकीन ने बराहे रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदम रहने वाले लोगों में हजरत अबू बकर सदीक, उमर बिन खताब, हजरत अली बिन अबी तालिब जो थे वो सरे फहरिस्त हैं। इस मौके पर 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबी यानी हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला और 7 बिन अबी वकास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर दफा किया और 7 अंसारी सहाबी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाम में शहादत नोश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला को भरपूर दफा पर जन्नत की बिशारत भी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहना निचला दांत मुबारक टूट गया और निचला होंठ भी जख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक भी जख्मी हुई और आंख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर तलवार लगी, मुबारक के अंदर धस गई। खातून सहाबियात हजरत उमे अमारा बिनते काब ने लड़ते लड़ते 12 जख्म खाए। हजरत आयशा बिनते अबी बकर, उमे ऐमन, उमे सुलैद मश्क भर भर कर पानी लाती थी और मुजाहिदीन और जख्मियों को पिलाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौसब बिन उमैर की शहादत के बाद झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ने बहुत बहादुरी और जांबाजी के साथ मुनज्जम तरीके से पीछे हटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी की घाटी में वाके कैंप तक पहुंचाया और बकिया लश्कर भी वहां पे आ गया। इस तरह मुसलमानों को जंग में कामयाबी नसीब हो गई। गज़वाए अहद एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। जब तक हम अल्लाह का कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते रहेंगे, हम सही तरीके से चलते रहेंगे। एक गलती, एक कदम अगर हमारा हटा तो हम क्या हो जाएंगे, हम शिकस्त पजीर हो जाएंगे। जीतते जीतते जंग हार गए और हारते हारते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया और फिर दोबारा ईमान छाया और तो फिर वो जंग वो जीत गए। लेकिन इस जंग में बहुत से सहाबा जो थे, इसमें कहते हैं कि 70 शहादतें हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ और जो अजियत मिली वो बहुत ज्यादा। अब हम इसकी तफसील दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, तो हम जल्दी से आगे चलते जाएंगे। तो आप इन तमाम बातों को अपने जहन में रखिएगा। अब जो ये आयत है, आयत नंबर 121, यहाँ पे गज़वाए अहद का बयान किया जा रहा है। और याद करो ए हबीब, जब सुबह के वक्त तुम अपने दौलत खाने से निकलकर मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों पर मुकर्रर कर रहे थे और अल्लाह सुनने और जानने वाला है, जब तुम में से 2 गिरोहों ने इरादा किया कि बुजदिली दिखाएं और अल्लाह इनको संभालने वाला था। ये दोनों गिरोह इंसार में से थे, एक कबीरा बनी सलमा जिसका ताल्लुक खजरज से था और एक बनी हारसा जिसका ताल्लुक ओश से था। ये दोनों लश्कर के बाजू थे, अब्दुल्ला बिन उबई के साथ ये दोनों कबीले भी थे। जब उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला बिन उबई वापस चला गया, क्योंकि इनके दिल में भी आया
कि हम भी वापस चले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको संभाल लिया। ये अगली इस आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 122 में बताएंगे, उबई जो थे वो भागा तो इन कबीलों ने भी वापसी का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला के करम फरमाया और इन्हें इससे महफूज रखा, और ये दोनों कबीले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। हो सकता है अल्लाह के रास्ते में चलते चलते कभी कभी हमारे पांव भी डगमगा जाएं, लेकिन अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहा करें, क्योंकि दिल को इस्तकामत देने वाला अल्लाह ही है। जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा किया कि बुजदिली दिखाएंगे और अल्लाह इनको संभालने वाला था, और अल्लाह ही पर मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। वअलल्लाही फलयतवक्कलिल मोमिनीन, मोमिनों का किस पे तवक्कल है? अल्लाह पे। कुरान के मतलूब इंसान का तवक्कल किस पे है? अल्लाह पे। और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामा थे, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। शुक्रगुजार कब बनेंगे? जब अल्लाह से हम डरते रहेंगे। याद करो ए हबीब, जब तुम मुसलमानों से फरमा रहे थे क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारे रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद की? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सबर करो और तकवा इख्तियार करो और काफिर इसी वक्त तुम पर हमला आवर हो जाएं तो तुम्हारा रब 5000 निशान वाले फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद फरमाएगा। और अल्लाह ने इस इमदाद को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है जो जबरदस्त है, हिकमत वाला है, इसलिए कि वो काफिरों का एक हिस्सा काट दे और इन्हें जलील और रुस्वा कर दे और वो नामुराद होकर लौट जाएं। ए हबीब, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे दे और चाहे तो इन्हें अजाब में डाल दे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है कि आप पे कोई इस चीज का बवाल नहीं है, अल्लाह चाहे तो हिदायत दे, अल्लाह चाहे तो गुमराह कर दे, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब फिर आप लोगों से बात कर अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुर रिबा, ए ईमान वालों दुगना दर दुगना सूद ना खाओ। फिर सूद की आयत आ गई कि ईमान वालों सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो और इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। सूद ना खाओ, जो बंदा सूद में इन्वॉल्व होता है, सूद ऐसा सर्कल है जो आपको अपने अंदर लपेट लेता है। जितने भी लोग अगर बैंक सिस्टम में या बैंक के किसी कर्ज में इन्वॉल्व हैं, तो वो एक छोटा सा कर्ज कितना बड़ा बन जाता है, उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब नियत कर ली है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तो पूरी कोशिश कर दो कि इसको तुम खत्म कर दोगे, और अल्लाह से डरो और अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। क्या ये आयत पहले आई है कि इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है? जी आई है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम किसके लिए बनाई है? लेकिन हम खुद उसमें अपना नाम लिख रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला नाउजु बिल्ला जालिम है, अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाई है, लाग में डालेगा, अल्लाह ताला किसी जान पे जुल्म नहीं करता, हम अपने नफ्सों पे खुद जुल्म करते हैं। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहम कब करेगा अल्लाह? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे। कुरान का मतलूब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है, और अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। आप क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि कुरान का मतलूब इंसान और अल्लाह का प्यारा इंसान कैसा होगा। नंबर वन क्वालिटी, वो जो खुशहाली और तंग दस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी जब ज्यादा पैसे होते हैं खुश होते हैं, एक्स्ट्रा होता है तब खर्च करते हैं, जब नहीं भी होते तब जो भी है उससे भी खर्च करते हैं। नंबर टू, गुस्सा पीने वाले। आज की नस्ल को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जरा जरा बात पे गुस्सा जो है वो सख्त आ जाता है। तो अगर हमने अल्लाह का प्यारा बनना है, हमने गुस्से को पी जाना है और लोगों से दरगुजर करने वाले, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ऊपर, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाए, आमीन। और वो लोग के जब किसी बेहयाई का इर्तकाब कर ले, देखें यह आयत इतनी खूबसूरत है, और तमाम उन लोगों के लिए जिनसे गुनाह हो जाते हैं, और वो हम सब हैं,
हम सब से जब गुनाह हो जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला ने माफ करेंगे। और वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें, तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगे, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है। और ये लोग जानबूझकर अपने बुरे अमाल पर इसरार ना करें। बार बार एक ही चीज जो अल्लाह हमें सिखा रहा है कि इबलीसियत में और इंसानियत में क्या फर्क है। इबलीस ने इनकार किया, अल्लाह की बात का इनकार किया, और उस पर हट धर्मी से खड़ा रहा। मुसलमान, एक ईमान वाला, एक अल्लाह को मानने वाला क्या करता है, गलती हो जाती है उस पर क्या करता है, अल्लाह से तोबा करता है, शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है और उस पर जिद नहीं करता। ये नहीं कहता कि जो मैंने किया वो ठीक है, बल्कि कहता है अल्लाह ताला आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये वो लोग हैं जिनका बदला इनके रब की तरफ से बख्शिश है। अगर हम ऐसी रविश इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें बख्श देगा, और वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये लोग हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे, और नेक अमाल करने वालों का कितना अच्छा बदला है। तुमसे पहले कई तरीके गुजर चुके हैं, तो जमीन में चल फिर कर देखो छुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। यानी जितने भी इबरत के मकाम हैं, जितनी भी ऐसी जगह हैं जो हमारे लिए इबरत हैं, उधर जाओ, उधर विजिट करो, और अल्लाह से डरो कि अल्लाह ताला जो है वो एक सेकंड में सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर सकता है। ये लोगों के लिए एक बयान, अब कुरान की बात बताई जा रही है कि कुरान क्या है। हमने क्या था, कुरान पहले था हुदल्लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब क्या बता रहा है, हाजा से मुराद है कुरान। हाजा कहते हैं ये कियत है, ये बयान उन, ये कुरान, ये जो कुरान की बात हो रही है, ये लोगों के लिए एक बयान और रहनुमाई। क्या है, लोगों के लिए रहनुमाई और परहेजगारों के लिए नसीहत है। कुरान नसीहत है, लेकिन किसके लिए, परहेजगारों के लिए। हम कहते हैं ना, बहुत से लोग कुरान पढ़े, दिल पे असर नहीं हो रहा, रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे। ये कुरान नसीहत है किसके लिए, परहेजगारों के लिए। और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। अल्लाह सुबहान व तआला फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानी करे, और तमाम उन मुसलमानों के लिए जो मुश्किल में है। अल्लाह ताला कितना ज्यादा हमें कहते हैं ना, तस्कीन देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि तुम हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो लोग भी वैसी ही तकलीफ पा चुके हैं। यहाँ पे गज़वाए ओहद में मुसलमानों को भी थोड़ा सा काम डाउन कर रहे हैं, क्योंकि गज़वाए बदर में उन्हें फतह हुई थी तो कुफार को शिकस्त हुई थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अब इत्मीनान पाओ, थोड़ा सा सुकून करो, क्योंकि अगर अभी तुम्हें शिकस्त हुई है, तुम्हारे सहाबी शहीद किए गए हैं, तो गज़वाए बदर में उनके भी लोग मारे गए थे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो वो लोग भी वैसी ही तकलीफ पा चुके हैं। और ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं, और ये इसलिए होता है कि अल्लाह ईमान वालों की पहचान कर दे। क्यों अल्लाह ताला कभी फतह देता है कभी शिकस्त, क्योंकि वो मुनाफिकों को ईमान वालों से अलहदा कर दे, और तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा अता फरमा दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह मुसलमानों को निखार दे और काफिरों को मिटा दे। जब तक जो सोना है ना भट्टी में पकता नहीं है ना, उसकी चमक नहीं आती, जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता, वो मुश्किलों से नहीं गुजरता, वो बाहर नहीं निकलता। हमारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, ताकि हमें और बेहतर मुसलमान और बेहतर ईमान वाला बना दें। क्या तुम इस गुमान में से हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मुजाहिदों का इम्तिहान नहीं लिया, और ना सब्र वालों की आजमाइश की है। हम भी तो ये समझते हैं हम लोग जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन हम जन्नत में ऐसे नहीं जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स, आजमाइशें आएंगी, और तुम मौत का सामना करने से पहले तो इसकी तमन्ना किया करते थे, और अब तुमने इसे आंखों के सामने देख लिया। अब जो अगली आयत आ रही है, ये वो आयत है जो कि जब नाजिल हुई तो कहते हैं कि उस वक्त तो सहाबा को इस आयत का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन हजरत अबू बकर कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ
तो ये आयत उन्हें समझ आ गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत उमर जो थे वो इतने गमगीन थे, वापा खो बैठे, तलवार लेके वो खड़े हो गए। अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, मैं गला काट दूंगा, तो उन्होंने इन्हीं आयात की तिलावत की थी। और मोहम्मद एक रसूल ही है, इससे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल कर जाएं या इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे? और जो उल्टे पांव फिरे गा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल की गई है कि जब गज़वाए ओहद में ये खबर फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, तो मुसलमान हिम्मत हार गए, तो कहा गया कि जो मोहम्मद है वो एक रसूल है, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, अगर उनको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? और मोहम्मद एक रसूल ही है, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल कर जाए या इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे? और जो उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। और कोई जान अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं मर सकती, सबका वादा लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का इनाम चाहता है हम इसे दुनिया का कुछ इनाम दे देंगे, और जो आखरत का इनाम चाहता है हम इसे आखरत का इनाम अता फरमाएंगे, और अनकरीब हम शुक्र अदा करने वालों को सिला अता करेंगे। और कितने ही अंबिया ने जहाद किया, इसके साथ बहुत से अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने अल्लाह की राह में पहुंचने वाली तकलीफों की वजह से ना तो हिम्मत हारी और ना कमजोरी दिखाई और ना दूसरों से दबे। और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, और वो अपनी इस दुआ के सिवा कुछ भी ना कहते थे, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना व इसराफना फी अम्रिना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए हमारे रब, हमारे गुनाहों को और हमारे मामले में जो हमने से ज्यादतियाँ हुई इन्हें बख्श दे, और हमें साबित कदमी अता फरमा, और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ने इन्हें दुनिया का इनाम भी अता फरमाया और आखरत का सवाब भी। और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, नेकी की कोशिश करते जाना है, क्योंकि जब हम नेकी की कोशिश करते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाएगा। और एक दुआ जो मुसलमानों को दुनिया और आखरत की भलाई के लिए सिखा देगी है, वो भी आप याद रखिएगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरती हसनतन वकिना अज़ाबन्नार। क्योंकि जो एक कुरान का मतलूब इंसान है वो सिर्फ दुनिया नहीं मांगता, वो कहता है अल्लाह दुनिया की भलाइयां भी अता कर, आखरत की भलाइयां भी अता कर, और आके अज़ाब से बचा। अब दोबारा आप लोगों को अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों के कहने पर चले तो वो तुम्हें उल्टे पांव फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाकर पलटोगे, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतर मददगार है। अनकरीब हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, और इनका ठिकाना आग है, और वो जालिमों का क्या बुरा ठिकाना है। और बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम इसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जब तुमने बुजदिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तलाफ किया, और तुमने इसके बाद नाफरमानी की जब अल्लाह ने तुम्हें वो कामयाबी दिखा चुका था जो तुम्हें पसंद थी। तुम में कोई दुनिया का तलबगार है और तुम में कोई आखरत का तलबगार है, फिर इसने तुम्हारा मुंह इनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और बेशक इसने तुम्हें माफ फरमा दिया, और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फजल करने वाला है। गज़वाए ओहद की ही यहाँ बात की जा रही है कि जब फतह हो रही थी लेकिन तुमने बात नहीं मानी, तुमने पैरवी नहीं की, शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई और तुम जीत गए, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया, और तुम्हारे अल्लाह ताला बहुत फजल करने वाला है। जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को पीछे मुड़कर भी ना देखते थे, यानी मालिक नीमत लेने के लिए जा रहे थे, मुड़ के देख भी नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो वहां पे मुयन किए गए थे उस जगह के अमीर वो बुला रहे थे कि मत जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, लेकिन वो देख नहीं रहे थे। जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे, और तुम्हारे पीछे रह जाने वाली दूसरी जमात में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले गम दिया,
और माफी इसलिए सुना दी ताकि जो तुम्हारे साथ से निकल गया है ना ही तुम इस पर गम करो और ना ही इस तकलीफ पर जो तुम्हें पहुंची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी इतनी जरूरी है कि अगर उसमें से हमने अपना स्टेप हटा लिया, हमने बात ना मानी, तो हम खसारे वाले हो जाएंगे। फिर इसने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी। जब बंदा बहुत गमगीन होता है ना, ये दुखी होता है, उस वक्त अगर नींद का एक झोंका आ जाए ना तो दिल को इत्मीनान हो जाता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो कहा जाता है कि गज़वाए ओहद में जब जाहिर है उनसे गलती हो गई और इतनी भगदड़ मच गई, उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो एक जगह पे पहुंच गए, तो अल्लाह ताला ने नींद का एक झोंका उन्हें दे दिया ताकि वो पुरसकून हो जाएं। फिर इसने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई, और एक गिरोह वो था जिसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी, वो अल्लाह पर ना हक गुमान करते थे, जाहलियत कैसे गुमा, वो कह रहे थे क्या इस मामले में कुछ हमारा भी इख्तियार है। तुम फरमा दो इख्तियार तो सारा अल्लाह ही का है, ये अपने दिलों में वो बातें छुपा रखते हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं अगर हमें भी इस मामले में कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। ऐ हबीब तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था वो अपने कत्ल गाहों की तरफ निकल कर आ जाते, जो शहीद हो गए थे। तो जो बहुत से लोग जिन्होंने पहले कहा था कि आप मदीना में ही जंग कर लें, उन्होंने कहा कि अगर हम वहीं पे होते, मदीना के अंदर होते, तो हमारा ये हाल ना होता और हम शहीद ना किए जाते और इतने लोग ना मारे जाते। तो उन्हें कहा जा रहा है कि जब मौत आनी है तो जगह से फर्क नहीं पड़ता, अगर मौत आनी है तो तुमको अपने घरों में ही आ जाएगी। और इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में पोशीदा है इसे खोल कर रख दे, और अल्लाह दिलों की बात जानता है। गज़वाए ओहद में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को सामने ले आया था। अब्दुल्ला बिन उबई गज़वाए बदर के बाद इस्लाम में शामिल होगा, क्यों? अंडर प्रेशर, ये अब तो इनको बड़ी फतह मिल गई, अब तो सब इसके साथ हो गए। और इस तरह के और बहुत से मुनाफिकीन थे जो गज़वाए ओहद में झड़ गए। बेशक तुम में से वो लोग जो इस दिन भाग गए जिस दिन दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, इन्हें शैतान ही ने इनके बास अमाल की वजह से लग्जिश में मुब्तला किया, और बेशक अल्लाह ने इन्हें माफ फरमाया। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा हिल्म वाला है। जो लोग भाग गए उन्हें शैतान ने भगाया, क्यों? अपने अमाल की वजह से। इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये बड़ा आप रखें, बहुत दफा हमसे कोई गुनाह हो जाता है ना, हम शैतान पे बड़े आसानी से डाल देते हैं, शैतान ने मुझे बेकार दिया था मैंने कर दिया। शैतान तो बेकाता है, करना ना करना तो हमारे इख्तियार में, अपने आमाल पे और अपने अमल में देखें कि आज या मेरे से इन रिसेंट डेज में कौन सी ऐसी चीज हो गई है कि शैतान को इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे दिल में घुस के मुझसे ये काम करवा गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अमल का नुक्ता है, इन्हें शैतान ही ने इनके बास अमाल की वजह से लग्जिश में मुब्तला किया। शैतान हमें हमारे बास अमाल की वजह से गुनाहों में मुब्तला कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन काफिरों की तरह ना होना जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब वो सफर में या जहाद में गए थे कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। फिर यही बात हो रही है कि ये शहीद ना होते अगर ये हमारे पास रह जाते और ये हमारे साथ पलट जाते। इनकी तरह ये ना कहो ताकि अल्लाह इनके दिलों में इस बात का अफसोस डाल दे, और अल्लाह ही जिंदा रखता है और मारता है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को खूब देख रहा है। और बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत इस दुनिया से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। यानी मौत तो आनी है, मौत तो हर सूरत में आनी है, तो बेहतर नहीं है कि अल्लाह की राह में अल्लाह की रहमत में मर जाओ? और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ, बहरहाल तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जमा किया जाएगा। तो ए हबीब, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, आप इनके लिए नरम दिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नरम था। कोई आम इंसान देखे तो वो क्या माफ करता? हम तो छोटी छोटी बातें माफ नहीं करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ कर दिया। जिन्होंने किया तो उन्हें लगा कि आज के बाद शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा नहीं करेंगे, हम हमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। हमारे लिए अमल की बात क्या है? जब हम कहते हैं ना हमने माफ कर दिया, तो दोबारा पुरानी रविश पे आ जाए, उसका ग्रज दिल में रख के ना आप बैठे ना रहे।
तो ए हबीब, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप इनके लिए नरम दिल हैं, और अगर आप तुर्श मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग जरूर आपके पास से भाग जाते। तो आप इनको माफ फरमाते रहो और इनकी मगफरत की दुआ करो और कामों में इनसे मशवरा लेते रहो। ये अच्छे लीडर की क्या खूबियां होती हैं कि वो नरम मिजाज होता है, सख्त मिजाज नहीं होता, नरम जुबान होता है, सख्त जुबान नहीं होता, गलती हो जाती है उसे माफ कर देता है, समझाता है और फिर दोबारा एक्सेप्ट उसे कर लेता है। तो ये लोग जरूर आपके पास से भाग जाते हैं। अगर सख्त मिजाज होते तो क्या होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना रहते। और इसी तरह ये दीनदारों के लिए या तबलीग करने वालों के लिए बहुत बड़ा अमल का नुक्ता है, खुदा के लिए मीठे तरीके से, नरम तरीके से तबलीग करें, वरना लोग आपको देख के भाग जाएंगे कि फिर वही वाली आंटी आ गई है। तो ये लोग जरूर आपके पास से भाग जाते। तो आप इनको माफ फरमाते रहो और इनसे और इनकी मगफरत की दुआ करते रहो, यानी माफ तो करो और इनकी मगफरत की भी दुआ करो, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, और कामों में इनसे मशवरा लेते रहो। फिर जब किसी बात का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। फाइजा आजमता फतवक्कल अल्लाह, बहुत प्यारी आयत है कि जब किसी काम का इरादा करो। बहुत से लोग होते हैं कहते काम ही नहीं होता, क्योंकि वो इरादा ही नहीं करते, उनकी नियत ही नहीं होती। सबसे पहली चीज क्या, इरादा करो, फिर क्या करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, तमाम असबाब कर लो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर इसके बाद कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और किसी नबी का खयानत करना मुमकिन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने कहा कि माल गनीमत जो आया है उसमें से उन्होंने कुछ चीजें अपने पास एक्स्ट्रा रख ली है, तब ये आयत नाजिल हुई कि किसी नबी का खयानत करना मुमकिन नहीं, और जो खयानत करे तो वो कयामत के दिन इस चीज को ले आएगा जिसमें इसने खयानत की होगी, फिर हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनूदी के पीछे चला और वो इस शख्स की तरह है जो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हुआ? क्या वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी ख्वाहिशें मारी, अपने नफ्स पे काबू किया, अल्लाह के अहकाम पे चला, क्या वो उस जैसा हो सकता है जिसने अपने आप को खुले जानवर की तरह छोड़ दिया, अपने नफ्स की पैरवी की? हो सकता है? तो क्या इन दोनों का अजर बराबर हो सकता है? फिर कैसे कह सकते हैं कि हम एक जैसे लेवल्स पे पहुंच जाएंगे? क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनूदी के पीछे चला वो इस शख्स की तरह है जो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हुआ और इसका ठिकाना जहन्नुम हो, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। लोगों के अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ दर्जात हैं और अल्लाह इनके तमाम अमाल देख रहा है। लोगों के अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ दर्जात हैं और वो दर्जे अल्लाह ताला खुद डिसाइड करता है। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल मबूस फरमाया जो इन्हीं में से है। अल्लाह ताला ने हम पे बहुत एहसान फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से थे। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब इनमें से एक रसूल मबूस फरमाया जो इन्हीं में से है, वो इनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। जब ये आयत पढ़ती हूँ ऐसे लगता है कि हज़रत इब्राहिम ने जो दुआ की थी खाना काबा बनाते हुए कि हमें एक रसूल भेज दे जो तेरी किताब की पैरवी करे, जो तेरी किताब की तिलावत करे और हमें हमारा तज़किया करे और हमें इल्म दे, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की दुआ सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, अगरचे ये लोग इनसे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। क्या जब तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ पहुंची जिससे दुगनी तकलीफ तुम पहुंचा चुके हो तो तुम कहने लगे कि ये कहां से आ गई? ए हबीब, तुम फरमा दो ए लोगों, ये तुम्हारे अपनी ही तरफ से आई है, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है, और दो ग्रोहों के मुकाबले के दिन तुम्हें जो तकलीफ पहुंची तो वो अल्लाह के हुक्म से थी और इसलिए पहुंची कि अल्लाह ईमान वालों को पहचान ले। यहाँ पे मैदान ओहद में मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची थी उसकी बात की गई है, तो अल्लाह ताला कह रहे क्यों पहुंची, ताकि वो मुनाफिकीन को ईमान वालों से अलहदा कर दे। और जब इससे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जहाद करो या दुश्मनों से दिफा करो, तो कहने लगे
अगर हम अच्छे तरीके से लड़ना जानते या कहने लगे कि अगर हम इस लड़ाई को सही समझते तो जरूर तुम्हारा साथ देते। ये लोग इस दिन जाहिरी ईमान की निस्बत खुले कुफर की ज्यादा करीब हैं। अपने मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है और अल्लाह बेहतर जानता है जो बातें ये छुपा रहे हैं। घर बैठ के तबसरे करना बहुत आसान होता है कि उसने ये किया तो उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल होता है, ये अगली आयत में बताया जा रहा है। वो जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा और खुद बैठे रहे कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। ए हबीब फरमा दो, अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत को दूर कर दो, और जो कोई अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज इन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, इन्हें रिज्क दिया जाता है, वो इस पर खुश हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया है, और अपने पीछे रह जाने वाले अपने भाइयों पर भी खुश हैं, और अभी इनसे नहीं मिले कि इन पर ना कोई खौफ है और ना गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नेमत और फजल पर खुशियां मना रहे हैं और इस बात पर कि अल्लाह ईमान वालों का अजर जाया नहीं करता। शहादत जो है वो बहुत बड़ा इनाम है। कहते हैं शहीद को कब्र का अजाब नहीं होता, शहीद जो है उसे डायरेक्ट जो है खुशियां मिल जाती हैं और वो जन्नत में जाएगा। तो वो प्रिविलेज्ड नहीं है, उनकी शहादत के रुतबे बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो इल्म के रास्ते में मारा गया वो भी शहीद है, जो पेट की बीमारी से मारा गया वो भी शहीद है, और जिसके दिल में ख्वाहिश हो कि वो शहीद कर दिया जाए और वो ईमान और अमले साले पे हो तो वो अगर घर बैठे भी मर गया तो वो भी शहीद है। वो लोग जो अल्लाह के रसूल के बुलाने पर जख्मी होने के बावजूद फौरन हाजिर हो गए, इन नेक बंदों और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब है। जंगे ओहद से फारिग होने के बाद वापसी के दौरान अबू सुफयान को मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा किए बगैर वापस आने पर अफसोस हुआ और फिर वापस होने का इसने इरादा किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफयान के ताकुब के लिए रवानगी का ऐलान फरमा दिया। 70 सहाबा कराम की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर हाजिर हो गई, हालांकि वो जख्मों से चूर थे। इस वाक्य के मुतल्लिक ये आयत नाजिल हुई कि अभी जंग से आए हैं, अभी जख्मों से चूर है, लेकिन अब ये भी था कि ये ना हो कि वो दोबारा री अटैक कर दें, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की और इनकी हिम्मत बढ़ाई। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए एक लश्कर जमा कर लिया, यानी वसवसे डाल रहे थे कि एक लश्कर जमा कर लिया अबू सुफयान ने, भी वो री अटैक करेगा तो क्या होना चाहिए था, जो डरे हुए थे उन्हें और डर जाना चाहिए था ना, आगे उन्हें जख्म लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए एक लश्कर जमा किया है सो इनसे डरो, तो इनके ईमान में और इजाफा हो गया। इंस्टेड कि इनका ईमान कम होता, उनके ईमान में और इजाफा हो गया और कहने लगे हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमारा अल्लाह काफी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। जब कोई मुसीबत ऐसी हो कि लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वो कलमात हैं जो आपके दिल को इतना सुरूर देंगे, तस्कीन देंगे और अल्लाह ताला की खास मदद आएगी। हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। और कुरान का मतलूब इंसान वो होता है जो इन अल्फाज पे पूरा ईमान रखता है और ईमान के साथ डट जाता है। फिर ये अल्लाह के एहसान और फजल के साथ वापस लौटे, यानी जंग दोबारा नहीं हुई, ये झूठ उन्होंने बोला था, तो वो पूरा ग्रोह जो था वो अल्लाह के फजल और एहसान के साथ दोबारा वापस लौटा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची और उन्होंने अल्लाह की रजा की पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। बेशक वो तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम इनसे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। शैतान हमें डराता है ना डिफरेंट तरीकों से, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनसे मत डरो और मुझसे डरो, और ए हबीब तुम इनका कुछ गम ना करो, जो कुफर में दौड़े जा रहे हैं वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह ये चाहता है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे और इनके लिए बड़ा अजाब है। बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान के बजाय कुफर इख्तियार किया वो हरगिज अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और इनके लिए दर्दनाक आजाब है। और काफिर हरगिज ये गुमान ना रखें कि हम इन्हें जो मोहलत दे रहे हैं ये इनके लिए बेहतर है, हम तो सिर्फ इसलिए इन्हें मोहलत दे रहे हैं कि इनके गुनाह और ज्यादा हो जाएं और इनके लिए जिल्लत का अजाब हो।
बहुत से मुसलमान जो ईमान की कमजोरी में होते हैं, आज जब काफिरों को खाता पीता पॉपुलर होता हंसता बसता देखते हैं तो कहते हैं ये कैसे, ये तो अल्लाह को मानते नहीं है, इन्होंने तो अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम पे गुजार भी नहीं रहे, अपने नफ्सों को मार भी नहीं रहे और अल्लाह ताला इनको दिए जा रहा है। ये उसका जवाब, और ये जवाब आप सब बड़ा बड़ा करके लिख लें, और जब आपको सफोकेशन फील हो, जब आपको मुश्किल फील हो कि जिंदगी बहुत मुश्किल होगी अल्लाह के अहकाम में गुजारने के लिए, तो जरा ये देखिए, काफिर हरगिज ही गुमान ना रखें कि हम इन्हें जो मोहलत दे रहे हैं, अल्लाह क्या दे रहा है मोहलत, ये इनके लिए बेहतर है, हम तो सिर्फ इसलिए इन्हें मोहलत दे रहे हैं कि इनके गुनाह और ज्यादा हो जाएंगे और इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ दे जिस पर अभी तुम हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। पाक और नापाक इकट्ठा नहीं रह सकता। और ए आम लोगों, अल्लाह तुम्हें गायब पर मुतला नहीं करता, अल्बत्ता अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है जिन्हें पसंद करता है। फआमनु बिल्लाही व रसूलिही, तो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बहुत अजर है। अजर किसके लिए है? जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाता है और मुत्तकी बनता है, तकवा इख्तियार करता है, परहेजगार बन जाता है। और जो लोग इस चीज में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दी, वो हरगिज इससे अपने लिए अच्छा ना समझे, बल्कि ये बुखल इनके लिए बुरा है। अनकरीब कयामत के दिन इनके गलों में इसी माल का तोक बनाकर डाला जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन्हुम, जिस पर इन्होंने बुखल किया, और अल्लाह ही आसमानों और जमीन का वारिस है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। जो लोग ज़कात नहीं देते, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते, जो कि छोटी छोटी बातें इतने पॉइंट्स निकाल लेंगे कि जेवर मैंने लिया उसको इतने दिन नहीं हुए, या जेवर मैंने इसलिए नियत से लिया फलाने से, इतना बुखल करेंगे तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वही माल जो तुम समेट समेट के रखते हो, अल्लाह ताला क्या करेगा कि इसका तोक बना के क्यामत के दिन तुम्हारे गले में डाल देगा। बेशक अल्लाह ने इनका कॉल सुन लिया जिन्होंने कहा अल्लाह मोहताज है। नऊज़ु बिल्लाह। मंजल्लज़ी युक्रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे? तो इसमें हमने देखा था के अबू दर्दा और अबू तलहा जो थे वो अपने घर का तमाम सामान ले आए थे, सहाबियों ने लब्बैक कहा था और सामान ले आए थे, लेकिन एक यहूदी था जिसका नाम था अनहास, तो इसने क्या कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारा अल्लाह फकीर है जो कर्ज मांग रहा है। उसके जवाब में ये आयत उतरी थी, बेशक अल्लाह ने इनका कॉल सुन लिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है नऊज़ु बिल्लाह और हम मालदार हैं। अब हम इनकी कही हुई बात और इनका अंबिया को नाहक शदीद करना लिख रहे हैं और कहेंगे जला देने वाला अजाब का मजा चखो, ये इनके अमाल का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि हम किसी रसूल की इस वक्त तक तस्दीक नहीं करेंगे जब तक वो ऐसी कुर्बानी पेश ना करें जिसे आग खा जाए, ए हबीब तुम फरमा दो कि बेशक मुझसे पहले बहुत से रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए और वही मौजजात लेकर आए जो तुमने कहे थे, फिर अगर तुम सच्चे थे तो तुमने इन्हें शहीद क्यों किया? इस्लाम कबूल करने के बजाय वो क्या कहते थे कि अगर अल्लाह ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली, यानी बहुत से हीले बहाने करते थे। ये उसका जवाब दिया गया कि तुम लोग उस वक्त भी बहाने करते थे, तुम अब भी बहाने करते हो, अगर तुम इतने ही ईमान लाने वाले होते तो उस वक्त ईमान ले आते। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, तो ए हबीब अगर वो तुम्हारी तकजीब करते हैं तो तुमसे पहले रसूलों की भी तकजीब की गई है जो साफ निशानियां और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइकातुल मौत, ये हमें याद रखने की बहुत जरूरत है, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिसे आग ने से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। आज जब जिस स्टेटस को कामयाबी समझते हैं, आज इस पैसे को हम कामयाबी समझते हैं, क्या वो कामयाबी है? नहीं। उस दिन जिससे अल्लाह राजी हो गया और जिससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ मैं तुमसे राजी हूं, जिसका हिसाब किताब ना लिया गया, हकीकी कामयाब वो ही है। बेशक तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा।
किसी का प्यारा मर जाता है, उसको सब्र करना पड़ेगा, उसको यकीन करना पड़ेगा कि उधर अगले जहां में मेरी उससे मुलाकात होगी। अल्लाह क्या कह रहे, तुम्हारे मालों से सैलाब आ गया, सब कुछ डूब गया, कुछ नहीं बचा, उसे सब्र करना पड़ेगा। बेशक तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा, और तुम जरूर इन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और मुशरिकों से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे। और अगर तुम सब्र करते रहो, कुरान का मतलूब इंसान क्या करता है, वह इन तस्बिरु व तत्तकु, अगर तुम सब्र करते रहो और परहेजगार बनो। दो पॉइंट्स हैं जो इंसान को जन्नत तक लेके जाते हैं, ईमान और अमले सौले। और बार बार अब जो पॉइंट रिपीट किया जा रहा है, तुम सब्र करते रहो और परहेजगार बनो। कुरान का मतलब इंसान सब्र करता रहे और परहेजगार बने, तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। आसान काम नहीं होता सब्र करना, लग पता जाता है, दिल कर रहा होता है 10 जवाब दे, लेकिन आपने सब्र करना है और परहेजगारी से काम लेना है। सब्र करते हुए ऐसा नहीं करना कि जबान से ऑल फोल निकाल देना है, परहेजगारी को हर वक्त मेंटेन रखना है। और याद करो, जब अल्लाह ने इन लोगों से अहद दिया जिन्हें किताब दी गई कि तुम जरूर इस किताब को लोगों से बयां करना और इसे छुपाना नहीं, तो उन्होंने इस अहद को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, तो इसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की, तो ये कितनी बुरी खरीदारी है। हरगिज गुमान ना करो इन लोगों को जो अपने अमाल पर खुश होते हैं और पसंद करते हैं इनके ऐसे कामों पे तारीफ की जाए जो उन्होंने की ही नहीं। इन्हें हरगिज अजाब से दूर ना समझो, इनके लिए सख्त अजाब तैयार है। खुद पसंदी और हुब्बे जाम में मुब्तला लोगों की ये वईद थी, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीनों की बादशाही है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब जो रुकू स्टार्ट हो रहा है, इसकी बहुत फजीलत है। ये सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है। सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू कुरान मजीद की अजीम तरीन मुकामात में से है। इसकी पहली 6 आयात के बारे में रिवायत आती है कि जब जिस शब में ये नाजिल हुई, इस पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिक्कत तारी रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े बैठे लेटे रोते रहे। नमाज तहज्जुद के दौरान भी इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तवील सजदा किया, इसमें भी गिरिया तारी रहा और सजदा गाह आंसुओं से तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर लेटे रहे, लेकिन वो कैफियत बरकरार रही, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो जब फजर की नमाज की इतला देने के लिए हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत में देखा, तो वजह दरियाफ्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, मैं क्यों ना रोऊं, आज की शब मेरे रब ने मुझ पर ये आयात नाजिल फरमाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात की तिलावत फरमाई। इस रिवायत को इमाम राजी की तफसीर कबीर से बयान किया गया है। और ये वो आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे, और हमें भी चाहिए कि हम जरूर इनकी तिलावत करें। इन्ना फी खलकिस समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। खोल आंख जमीन, देख फलक, देख फिजा, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इर्द गिर्द नजर तो डालो, देखो तो अल्लाह ने कितने खूबसूरत नजारे भेजे हुए हैं, और अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह को महसूस करो। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाहा, वो लोग कैसे होते हैं, आइडियल मुस्लिम का किरदार है अगली आयतों में, बहुत गौर से देखिएगा। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाहा क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी ख़लक़िस समावाती वल अर्द, जो खड़े और बैठे और पहलुओं के बल लेते हुए अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमान ये थोड़ी है कि सिर्फ जा नमाज पे बैठे तो अल्लाह को याद कर रहा है, वो खड़े हुए भी अल्लाह की कुदरत देख रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, वो बैठे हुए भी अल्लाह को याद कर रहा है, वो बिस्तरे पे लेटा भी है तब भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। और आसमानों और जमीन की पैदाइश पे गौर करो। आगे बहुत खूबसूरत दुआ है जिसमें कह रहे हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया, तू पाक है, तू हमें दोजख के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, बेशक जिसे तू दोजख में दाखिल करेगा, इसे तूने जरूर
रुस्वा कर दिया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, बेशक हमने एक निदा देने वाले को ईमान की निदा देते हुए सुना। इसकी बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ए हमारे रब, बेशक हमने एक निदा देने वाले को ईमान की निदा यूं देते हुए सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। बस ए हमारे रब, तू हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां मिटा दे और हमें नेक लोगों के गिरोह में मौत अता फरमा। आमीन। ए हमारे रब, और हमें सब अता फरमा जिसका तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादा फरमाया, और हमें कयामत के दिन रुसवा ना करना, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। ये तो हमने दुआएं कर ली, तो फिर क्या हुआ? तो इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली कि मैं तुम में से अमल करने वालों के अमल को जाया नहीं करूंगा, वो मर्द हो या औरत। अमल करने वालों के अमल को, बड़ा बड़ा लिखिए, सोते हुए लोगों के अमल को नहीं, ऐसे लोगों को जो दुनिया में खो गए हैं और अमल ही नहीं करते, वो नहीं, मैं तुम में से अमल करने वालों के अमल को जाया नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक ही हो। बस जिन्होंने हिजरत की, हिजरत फिजिकल भी हो सकती है और गुनाहों से हिजरत भी यहाँ पे मुराद दी जा सकती है, तुम बस जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और मेरी राह में इन्हें सताया गया और उन्होंने जहाद किया और कत्ल कर दिए गए, तो मैं जरूर इनके सब गुनाह इनसे मिटा दूंगा और जरूर इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये अल्लाह की बारगाह से अजर है और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है। ए मुखातिब, काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज तुझे धोखे में ना डाले। आज हमें धोखे में डाला हुआ है कि नहीं? आज जब हम उनकी पॉपुलैरिटी, उनका स्टेटस देखते हैं, हमें धोखा नहीं हो जाता कि वाओ दे आर सो लकी, वाओ दे आर सो ब्रिलियंट, ये तो कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ए मुखातिब, काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज तुझे धोखे में ना डाले, ये तो जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, हमेशा इनमें रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का सामान है और जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए बेहतर चीज है। और बेशक कुछ अहले किताब ऐसे हैं जो अल्लाह पर और तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है इस पर, और जो इनकी तरफ उतारा गया है इस पर, इस हाल में ईमान लाते हैं कि इनके दिल अल्लाह के हजूर झुके हुए होते हैं, वो अल्लाह की आयतों के बदले जलील कीमत नहीं लेते। ये वो लोग हैं जिनका सवाब इनके रब के पास है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालों, अब ईमान वालों ने क्या करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, सबर करो और सबर में दुश्मनों से आगे रहो और इस्लामी सरहद की निगेबानी करो और अल्लाह से डरते रहो, इस उम्मीद पर तुम कामयाब कर दिए जाओगे। ये थी कुरान पाक की दूसरी बड़ी सूरत, सूरह आले इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने कंप्लीट की और अब हम स्टार्ट करेंगे सूरह निसा। हमने पहले पढ़ा था कि सूरह फातिहा जो है वो मक्की सूरत थी, फिर आई सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो दोनों जोड़े हैं और ये मदनी सूरतें हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अर्ज़हरावैन, दो चमकने वाली सूरतें। अब आगे दो पेयर्स आएंगे, सूरह निसा और सूरह मायदा, ये भी एक दूसरे के जोड़े हैं, ये जोड़े हैं। देखा कि सूरह बकरा में और सूरह आले इमरान में स्टार्ट हरूफ मुकत्तात से हुआ, फिर कुरान की अजमत बयान की गई, लेकिन इसमें डायरेक्ट खिताब किया जा रहा है। इसमें इंसानी तमद्दुन और माशरत के मामलात का एहकाम है, कमजोर अफराद, औरतों और यतीमों के हकूक के बारे में ये बताया गया, क्योंकि गजवाए ओहद में जब शहीद हो गए थे बहुत से सहाबा, तो पीछे बहुत से यतीम बेवाएं जो थी, माएं रह गई थी, तो उनके बारे में बहुत से अहकामात हैं। इत्तेबाए सुन्नत की अहमियत इस सूरत में बयान की गई है और वरासत के अहकामात भी इसी सूरत में बताए गए हैं। आइए आगाज करते हैं। रहमान रहीम, ये जो पहली आयत है, ये वो आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह में पढ़ते थे और खुतबा निकाह में ये आयत पढ़ी जाती है।
या अय्युहन नासु तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से कसरत से मर्द औरत फैला दिए। हजरत आदम अम्मा हवा की बात करिए कि उन्हें पैदा किया गया और उनसे कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। फिर आ रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्तों को तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगेबान है। एक नया रिश्ता कायम हो रहा है, निकाह किया जा रहा है और दो दफा तकवा की बात आ रही है। शौहर अपनी बीवी के बारे में अल्लाह से डरता रहे और बीवी अपने शौहर के बारे में अल्लाह से डरती रहे, तभी वो उनके एक दूसरे के हकूक भी दे सकेंगे, तभी वो एक दूसरे को माफ भी कर सकेंगे, तभी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट कायम हो सकेगा। देखें, हमें लगता है ना कि पिक्चर परफेक्ट, हमें एक घराना मिल जाएगा, शोहर हमारी सारी बातें मानेगा, ये करेगा, तो हमें भी फिर क्या बनना पड़ेगा, परफेक्ट बीवी। क्या कोई भी परफेक्ट है दुनिया में? अपने शोहरों की ऐसी बातें जो हमें नागवार गुजरती हैं, जो गुनाह नहीं है लेकिन जो नागवार गुजरती हैं, हमारा दिल नहीं करता करने को लेकिन नागवार गुजरती हैं, वो हम कब पूरी कर सकेंगे? जब हम अल्लाह से डरेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस रिश्ते में बांधा है, इस रिश्ते के कुछ हकूक हैं। अजवाजी जिंदगी को हम तब ही कायम कर सकेंगे और चीजें इग्नोर कर सकते हैं जब हम अल्लाह से डरेंगे। आज डाइवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ गया? क्योंकि हम एक दूसरे के मामलात में अल्लाह से नहीं डरते। हम एक दूसरे से डर जाएंगे, हम अंडर प्रेशर काम कर लेंगे, हम लोगों से डर जाएंगे, लेकिन खुतबा निकाह है और दो दफा वॉर्न किया जा रहा है कि अल्लाह से डरो। अब जिस निकाह में बंधने जा रहे हो, अब इसके फराइज तुम लोगों को एक दूसरे के हक में जरूर पूरे करने पड़ेंगे, और यतीमों को इनके माल दे दो और पाकीजा माल के बदले गंदा माल ना लो और इनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना रखो, बेशक ये बड़ा गुनाह है। यतीमों को मतलब के उनका माल खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, यह हराम है। उनके माल को अपने माल से रिप्लेस ना करो, यानी उनके माल को किसी तरह भी खुद यूज ना करो और उसको बिल्कुल अलहदा रखो। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सकोगे, तो इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, दो दो और तीन तीन और चार चार। अब जरा ये देखिएगा कि पहले जमाने में मदीना के लोग अपने जेरे सरपरस्ती यतीम लड़कियों से उनके माल की वजह से निकाह कर लेते थे, फिर उनके ना हकूक पूरे करते थे, ना अच्छा सलूक करते थे, और उनकी विरासत पाने के लिए उनकी मौत के मुंतजर रहते थे। यहाँ उन्हें इस हरकत से रोका जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चार तक शादियां करने की इजाजत दे गई है, लेकिन ये इस सूरत में जब शोहर बीवियों के दरमियान अदल कर सके। बीवियों के दरमियान अदल करना फर्ज है, इसमें नई पुरानी कवारी या दूसरे की मुतलिका बेवा सब बराबर हैं। ये अदल लिबास, खाने पीने, रहने की जगह सब चीजों में लाजिम किया जाएगा। इन अमूर में सबके साथ यकसां सलूक किया जाएगा। आज भी अगर हम किसी यतीम बच्ची को अपनी बहू बना के ले आते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ताने देते रहते हैं कि तुम तो यतीम थी, तुम तो जहेज भी नहीं लाई, तुम्हारा तो पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा तो फलाना नहीं है, ये भी आज के जमाने में अप्लाई होता है कि अगर तुम्हें इतने दिल में वुसत नहीं है तो लोगों की वाह वाह में नहीं शादी करा लो कि मैं तो यतीम बच्ची को अपनी बहू बना के ला रही हूँ, या तो मैं तो बेवा से शादी कर रहा हूँ और बाद में तुम उसको नहीं निभा सकते, इससे बेहतर है तुम उससे शादी करो जिसके साथ तुम निभा कर सको, बाद में उसको अजियत ना दो। और अगर मर्द को देखें, अरब में शादियों की हद ही नहीं थी, मतलब कि वो एंडलेस शादियां करते थे, उनमें कोई हदूद नहीं थी। हमें पड़ा होता है ना कि तीन शादियों की इजाजत दी है, नहीं, यहाँ पे हद लगाई गई है कि चार से ज्यादा औरतों को इकट्ठे नहीं रखना तुम लोगों ने, इससे ज्यादा तुम लोग नहीं कर सकोगे। और उसमें भी क्या कहा गया है कि तुमने इंसाफ कायम रखना है। अगर मर्द दो शादियां करता है, तीन या चार, तो उस पर बड़ी सख्त किस्म की जिम्मेदारी आती है, कहीं भी वो चूका तो उसकी बड़ी सख्त पकड़ भी होगी। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ एक से निकाह करो,
क्या लोंडियों पर गुजारा करो जिनके तुम मालिक हो, ये इससे ज्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो जाए। और औरतों को इनके मेहर खुशी से दो, फिर अगर वो खुश दिली से मेहर में तुम्हें कुछ दे दें तो इसे पाकीजा खुशगवार समझ कर खाओ। यानी औरत जो हक मेहर है वो बताता है एक औरत को कि उस मर्द ने दिल की खुशी से उसे एक्सेप्ट किया है एंड इट्स अ गिफ्ट, और ये देना मस्ट है। तो वो अगर औरत ले, उस औरत को ले लेना चाहिए। अगर वो उसके बाद उसे कहती है कि नहीं हम मैं माफ करती हूँ या मैंने नहीं लेती या हम इसको दोनों यूटिलाइज करेंगे इन एनी फॉर्म, तो उस चीज की भी इजाजत है। और कम अकलों को इनके वो माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर बसर का जरिया बनाया हो, और उन्हें इस माल में से खिलाओ और पहनाओ और इनसे अच्छी बात कहो। यानी ना समझ यतीमों को उनका माल उनके हवाले ना कर दो। अगर एक बच्चा है वो यतीम हो गया और उसके पास बहुत माल है, अगर आप उसे माल दे देंगे तो वो जाया करेगा। तो क्या कह रहे हैं कि उस माल के निगरान बन जाओ, प्रॉपर उस माल का आप रखें सिस्टम के कहाँ खर्च हो रहा है ये, लेकिन उनके हवाले ना करें जब तक वो समझदार नहीं होते। और यतीमों की समझदारी को आजमाते रहो यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हों। तो अगर तुम इनकी समझदारी देखो तो इनके माल इनके हवाले कर दो। यानी माल उनके हवाले कब करना है, जब वो समझदार हो जाएं। और समझदारी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, उनको आजमाते रहो। क्यों आजमाते रहो, चेक करते रहो या हो क्या इस काबिल, ये अब संभाल सकता है तो फिर उसके हवाले करो, अगर नहीं हुआ तो उसके हवाले मत करो। और इनके माल फजूल खर्ची से और इस डर से जल्दी जल्दी ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। यानी उनके मालों को फजूल ना जाया करो, ना जल्दी इसलिए खर्च करो कि वो बड़े हो जाएंगे। और जिसे हाजत ना हो वो बच्चे की जो हाजत मंद हो वो, और जिसे हाजत ना हो तो वो बच्चे और जो हाजत मंद हो वो बकदर मुनासिब खा सकता है। फिर जब तुम इनके माल इनके हवाले करो तो इन पर गवाह कर लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। वकफा बिल्लाही हसीबा, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। जब माल उनके हवाले किया जाए तो इस पे क्या किया जाए, गवाह रखा जाए कि हमने ये इनके हवाले कर दिया है। मर्दों के लिए इस माल में से विरासत का हिस्सा है। अब विरासत के अहकामात बताए जा रहे हैं। मर्दों के लिए इस माल में से विरासत का हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए इसमें से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए। माले विरासत थोड़ा हो या ज्यादा, अल्लाह ने ये मुकर्रर हिस्सा बनाया है। और जब तकसीम करते वक्त रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन आ जाए तो इस माल में से इन्हें भी कुछ दे दो और इनसे अच्छी बात कहो। विरासत के असूल हैं, ये पूरी एक साइंस है जिसको समझना पॉसिबल ही नहीं है इतनी देर में। ये बहुत डीप साइंस है, ठीक है, इसको समझना चाहिए। इस्लाम में विरासत को डिवाइड करने के प्रॉपर रूल्स हैं, उसी रूल्स के तहत विरासत डिवाइड की जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो बहुत इसमें गुनाह होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विरासत तो उसी तरह तकसीम होगी जैसे अल्लाह ने कहा है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है वो फिर भी आ जाते हैं, तो अगर कुछ है तो उनको दे दो, उनके साथ सख्ती ना करो, उनका दिल ना दिखाओ। और वो लोग डरे जो अगर अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ते तो उनके बारे में कैसे अंदेशों का शिकार होते। तो इन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरे और दुरुस्त बात कहें, कौलन सदीदन दुरुस्त बात कहें। बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं, और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। फिर अगर साफ लड़कियां हो अगरचे दो से ऊपर तो इनके लिए तरके के दो तहाई हिस्से होगा, और अगर एक लड़की हो तो इसके लिए आधा हिस्सा होगा। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तड़के से छठा हिस्सा होगा। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए तहाई हिस्सा। फिर अगर इस मैयत के कई बहन भाई हो तो माँ का छठा हिस्सा होगा। ये सब अहकाम इस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फोत होने वाला कर गया और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। तुम्हारा बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं कि इनमें कौन तुम्हारा ज्यादा नफा देगा। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। किसकी तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं? अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। बेशक अल्लाह बड़ा इल्म वाला और जान हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे माल छोड़ जाएं, अगर इनकी औलाद ना हो तो इनमें से तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है। फिर अगर इनकी औलाद हो तो इनके तरके में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत के बाद होंगे जो इन्होंने की हो और कर्ज की अदायगी के बाद। कोई भी
विरासत में डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी सबसे पहले कर्ज की अदायगी की जाएगी। क्या पता कर्ज इतना के अदायगी करने के बाद आपको अपने पल्ले से देना पड़ जाए। तो सबसे पहले कर्ज की अदायगी की जाएगी, उसके बाद आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारे तड़के में से औरतों के लिए चौथाई हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो इनका तुम्हारे तड़के में से आठवां हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत के बाद होंगे जो वसीयत तुम कर जाओ और उस कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तड़का तकसीम किया जाए जिसके माँ बाप और औलाद में से कोई ना छोड़ा और सिर्फ माँ की तरफ से इसका एक भाई या एक बहन हो, तो इनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा। फिर अगर वो माँ की तरफ वाले बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब तहाई में शरीक होंगे। ये दोनों सूरतें भी मैयत की इस वसीयत और कर्ज के बाद होंगी जिस वसीयत में इसने वर्सा को नुकसान ना पहुंचाया हो। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अल्लाह बड़े इल्म वाला बड़े हिल्म वाला है। तिल का हदूदुल्लाह ही, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह और रसूल की अतात करे तो अल्लाह इसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती रहेंगी, हमेशा इसमें रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह इसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो इसकी तमाम हदों से गुजर जाए तो अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और इनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। अब आगे अखलाकी कवानीन बताए गए हैं। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करे, जो औरतों में से बदकारी करे, इन पर अपनों में से चार मर्दों की गवाही लो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घर में बंद कर दो यहां तक कि मौत इनकी जिंदगी को पूरा कर दे या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता बना दे। ये इब्तिदाए इस्लाम में जानिया औरतों की सजा थी, लेकिन जब जिना की हद लगी थी फिर ये वैलिड नहीं थी। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें इनको तकलीफ पहुंचाओ, फिर अगर वो तोबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो इनका पीछा छोड़ दो। अगर तोबा कर लें और इस्लाह कर लें तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है। वो तोबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है वो इन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे, यानी गलती से बुराई हो जाए, इरादा ना हो, नियत ना हो, वो अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है। फिर थोड़ी देर में तौबा कर ले, ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। लेकिन जिसको पता हो मैं गलत काम कर रहा हूँ और कहे कि कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ फिर तौबा कर लेता हूँ, तो ये गलत है, ऐसों की तौबा नहीं कबूल होती। और इन लोगों की तौबा नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आए तो कहने लगे कि अब मैंने तौबा की, और ना इन लोगों की कोई तौबा है जो कुफर की हालत में मरे। इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। इस्लाम से पहले अहले अरब का ये दस्तूर था, जैसे वो लोग माल में बांटते थे वैसे ही अपने रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते थे। यानी कोई भी अगर बंदा मरा है तो वो लोग आपस में डिसाइड करते थे कि इसका वारिस मैं बनूंगा और उसको अपने साथ रख लेते थे, उससे खुद ही शादी कर लेते थे। तो इससे मना किया गया है, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। और औरतों को इस नीयत से रोको नहीं कि जो मेहर तुमने दिया है इसमें से कुछ ले लो सिवाय इस सूरत के वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, और इनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। फिर अगर तुम्हें वो नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद है वो अल्लाह और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख दे। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम्हें इसे ढेरों माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम कोई झूठ बांध कर और खुले गुनाह के मुर्तकिब होकर वो लोगे? यानी आपने एक बंदी से शादी की, घर भी उसके नाम कर दिया, गाड़ी भी उसके नाम कर दी, उसको इतना अच्छा रखा, और फिर जब आपका दिल भर गया आपने उसको अलहदा कर दिया और सारी फैसिलिटीज उसे वापस ले दी? नहीं, जब आपने मेहर दे दिया, चीजें दे दी, तो ये बिल्कुल उससे वापस लेना जायज नहीं है। और तुम वो माल कैसे वापस ले सकते हो हालांकि तुम तन्हाई में एक दूसरे से मिल चुके हो और वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुकी हैं। और अपने बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो, अलबत्ता जो पहले हो चुका वो माफ है, बेशक ये बेहयाई और गजब का सबब है और ये बहुत बुरा रास्ता है। आगे मुहर्रमात की लिस्ट है, वो औरतें जिनसे निकाह हो ही नहीं सकता,
तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी पुपियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और दूध के रिश्ते की तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माँ यानी सास और तुम्हारी बीवियों की वो बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, जो उन बीवियों से हों जिनसे तुम हमबिस्तरी कर चुके हो, फिर अगर तुमने इन बीवियों से हमबिस्तरी ना की हो तो इनकी बेटियों से निकाह करने में तुम पर कोई हर्ज नहीं। और तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां यानी बहुएं और दो बहनों को इकट्ठा रखना हराम है, इन सब से निकाह हराम है। ये हमारे महरम रिश्ते होते हैं, अलबत्ता जो पहले गुजर गया, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। अल्लाह के एहसान से उसके करम से हमने आज का अपना सबक मुकम्मल किया। इस बारे में हमने देखा कि कुरान का मतलूब इंसान ऐसा होता है जो हलाल और हराम में फ़र्क करता है, हज की असबाब मुयसर होने पर हज करता है, ताकि दीन की मदद करने वाला होता है, कुरान के अहकाम को थामने वाला, समझने वाला और उस पर अमल पैरा होने वाला होता है। सूरह आले इमरान में हमने देखा कि तफरके में नहीं पड़ता कुरान का मतलूब इंसान, अल्लाह का फजल याद रखने वाला होता है, भलाई की तरफ बुलाता है और अच्छाई के काम बताता है, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की दावत देता है, सूद नहीं खाता, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाला होता है, खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, गुस्सा पीने वाला और लोगों को माफ़ करने वाला होता है, नरम मिजाज, कसूर माफ़ करने वाला, तबलीग करने वाला, बाहमी मशवरे करने वाला और अल्लाह पे भरोसा करने वाला होता है, शहादत को अल्लाह का इनाम समझने वाला, हर मुश्किल में हसबुनल्लाह व निअमुल वकील कहने वाला होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है इस बात पर यकीन रखने वाला होता है, उठते बैठते और पहलुओं के बल अल्लाह का जिक्र करने वाला होता है, रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ने वाला, औरतों के मेहर खुशदिली से अदा करने वाला, मामला विरासत को अदल से निपटाने वाला, अवलन सदीदन यानी दुरुस्त बात कहने वाला, मैयत का कर्ज अदा करने वाला, अपनी बीवियों से उसने सलूक करने वाला, ये सिफात होती हैं कुरान के मतलूब इंसान में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम सिफात भी हम में भी पैदा कर दे। अब मेरी गुजारिश है तमाम हाजिरीन महफिल से कि अपनी अपनी शेयरिंग देना शुरू करें। हमें हलाल और हराम में फर्क करना है और हज़रत इब्राहिम की तरह फोकस मुस्लिम बनना। जबरदस्त जी। अच्छा, इसमें एक खास जो बात समझ आएगी, नज़्म और ज़ब्त, यानी कि जो हमारा कोई लीडर होता है तो उसकी बात जब वो हमें कहता है तो हमें प्रॉपर सुननी चाहिए, और जब तक वो हमें उस जगह या पोस्ट या डाटा नहीं है उसमें कहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जी। और मतलब औरतों के हकूक के बारे में बताया गया है कि मर्द के हकूक हैं और औरतों के भी हकूक हैं, तो अल्लाह हमें अपने हकूक पूरे करने की तौफीक दे। और हमें मतलब उसके बारे में भी बताया गया है कि विरासत में कितना हिस्सा होता है, तो अल्लाह वो भी किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बाप को भी उसकी मतलब माँ बहन बेटी का हक खाने से बचाए। आमीन। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में। देखिए अल्लाह ताला कितने जबरदस्त हैं, कितने रहम करने वाले हैं कि तमाम मामलात अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिए और फिर हम ढूंढते फिरते हैं कि हम कैसे तकसीम करें। जी बेटे, जैसे कल सूद की बात है, ये वो आज फिर से आई है, तो जी जबरदस्त, इतना प्यारा पॉइंट आपने शेयर किया, माशाल्लाह जी। बैक पे बहुत प्यारी बात है ये कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए हमें चाहिए कि दूसरों को माफ कर दे और उनके लिए हक में दुआ करें, दिल में बोझ ना रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं वैसे ही हूँ जैसे तुम मेरे बारे में गुमान करते हो, तो गुमान बहुत अच्छा रखें कि अल्लाह तो मुझे माफ कर ही देगा इंशाल्लाह। जी मेरी तो
उसमें एक दूसरे का इत्राम करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है ना कि मियाँ बीवी के ताल्लुक में अल्लाह से डर, देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि कोई भी तो नहीं होगा हमारे बीच में, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होगा कि मैं किस दिल से अपने मियाँ के लिए कर रही हूँ या वो किस दिल से कर रहा है। तो एक दूसरे के ताल्लुकात में अल्लाह से डरना है, ये बहुत प्यारी बात है, ये तो सही अमल करने वाली बात है। बहुत प्यारा पॉइंट आपने निकाला है, जबरदस्त। जी जनाब। I just got this one, good leader qualities, soft spoken, forgiver, good listener, respecting others' opinions. दूसरा ये कि कोई भी किसी की तरह की प्रॉब्लम हो तो एक मैंने ऐसे नोट किया हसबैंड अल्लाह हो नेमल। हसबैंड अल्लाह हो नेमल वकील, बेशक। जी सुमैरा काशिफ साहिबा शेयरिंग दें अपनी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहले तो ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हम अमल करेंगे तो हमारी निजात है, वरना नाकामी है। दूसरा, सूद के आयात के बारे में सख्त आयात आई हैं कि सूद नहीं खाना, अल्लाह से डरना है और सूद नहीं लेना। और इसके अलावा कुरान पाक की मतलूब इंसान के बारे में भी बताया गया, जिसमें वो नरम मिजाज होता है, सब्र और परहेजगार होता है, खुशहाली और तंगदस्ती में जो है वो फर्क रखता है। फिर इसके अलावा दुनिया और आखिरत की भलाई चाहता है, गुस्सा पीने वाला होता है, लोगों को माफ करने वाला होता है, गुनाहों की माफी मांगने वाला होता है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने साथ ही उनके एजाजात भी बता दिए कि वो जन्नत पाएगा और अल्लाह का महबूब होगा। कुरान पाक जो है वो रहनुमाई है और सब मुसलमानों के लिए, लेकिन नसीहत है सिर्फ परहेजगारों के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी आयत जो थी वो हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, कि हमने हर हालत में अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है, और जो हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं दे आर जस्ट फॉर आर ओन बेटरमेंट, और हमने अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखनी है कि वो हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा। एक और बड़ी आयत इसमें आई थी कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, कि हम लोग मौत से भाग नहीं सकते, चाहे घरों में हो चाहे कहीं जहां मर्जी छुप जाए, मौत आनी है, मौत बरहक है, जिसमें हमें अल्लाह ताला का सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए जब किसी प्यारे की मौत आ जाए। और इसमें अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि साथ ही कि हम मालो जान से हम अल्लाह ताला हमें अजमाएगा। सूरह आले इमरान की आपने बताई थी कि आखिरी आयात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जो नाजिल हुई थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिक्कत आ रही थी और वो गिरिया करते रहे थे, और जिनका पढ़ना जो है वो तहज्जुद की नमाज में इनको पढ़ना जरूर चाहिए। एक और चीज थी अमल करने वालों के लिए, अमल करने वालों के अमल को जाया नहीं करूंगा, ये अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जो अमल करेंगे मैं उनके अमल को जाया नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ईमान वालों के लिए बार बार अल्लाह ताला ने सबर करने का कहा कि सबर करना है हमने। फिर सूरह निसा की आयात, उसमें मेन जो फिलहाल जो हमने पढ़ा वो ये था कि हमने अपने जो अजवाजी ताल्लुकात हैं उनको कैसे बेहतर करना है, उनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, अल्लाह ताला ने यानी कि हर चीज में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई है, हमने उस पर अमल करना है। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पूरे पारे का खुलासा भी कर दिया और बहुत जबरदस्त आपने शेयरिंग की। अल्लाह ताला आपसे राजी हो और आपको बेहतरीन बेहतरीन अजर दे। जी, सूरत अल इमरान में जो है वो हमने ये सीखा, चूंकि ये जो है वो जंगे बदर के करीबी जमाने में नाजिल हुई, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों के अखलाकियात के सारा निज़ाम था उसको बयान किया, और बीच दो जंगों का भी जिक्र हुआ, जिससे हमने ये सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन साहिबा, आप लोग हैंड रेज करके गायब हो जाते हैं, खुद ही अनम्यूट होके शेयरिंग देना शुरू कर दे जो देना चाहे काइंडली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर जबीन साहिबा, कुरान का मतलूब इंसान सब्र करता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, वो खड़े होकर भी अल्लाह को याद करता है, बैठ कर भी याद करता है। देखिए इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात भी बयान कर दिए कि विरासत की तकसीम हमें कैसे करनी और अपनी जिंदगी में कर दे ताकि दुनिया में बाद में हमारे कोई फसाद ना पैदा हो। और दूसरी बात है जो एक बहुत कॉमनली बात बताई जाती है कि आग करने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, इजाजत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हकूक हमें बता दिए। चले जी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله يا الله يا غفور رحيم يا أرحم الراحمين
या अल्लाह हमने जो तेरे लिए हम आके इस महफिल में बैठे हैं तेरे कलाम को पढ़ा है या अल्लाह इसमें जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ने की इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त या गफूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन, कुरान हमारा मजबूत सहारा है, हमें तौफीक देना कि हम इसे मजबूती से थाम ले। या रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी नस्लों को या अल्लाह हमारी औलाद को बेहतरीन तरीके से दीन पे चलने वाला बनाना। या रब्बुल इज़्ज़त या गफूरुर रहीम हमारा खात्मा बिल खैर करना। या अल्लाह हमें उस हाथ में मौत आए कि तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह या गफूरुर रहीम बेशक कामयाब वही है जो उस दिन कामयाब हुआ। या अल्लाह हमें क़यामत के दिन की कामयाबी नसीब फरमाना। या अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाना। या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामला अता फरमाना। या अल्लाह आंटी सोबिया को सेहत कामला अता फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त या गफूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन तमाम लोगों के वालिदैन को सेहत कामला अता फरमाना, लंबी जिंदगी अता फरमाना। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। हमारे तमाम प्यारे जो दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना। उन सबको हमारे साथ जन्नत में इकट्ठा कर देना। या अल्लाह जो तकलीफ में मुसीबत में किसी आजमाइश में मुबतला है उनकी तकलीफें मुसीबतें और आजमाइशें दूर करना। या अल्लाह तो कहता है कि इंसान तो गुनाह कर देता है लेकिन जब गुनाह करके तौबा करता है तेरे हजूर रोता है गिरगिराता है तो तू उसे माफ कर देता है। या अल्लाह हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है, या अल्लाह हमें बख्श देना, या अल्लाह हमें माफ कर देना, या अल्लाह हमारी पकड़ ना करना, बेशक तू ही बख्शने वाला तू ही रहम करने वाला है। या रब्बुल इज़्ज़त या गफूरुर रहीम जो मांगा है वो अता करना, जो नहीं मांग सके वो भी अता करना। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।